I need a laptop here. I need a laptop. Good morning to all of you. Good morning, the workshop participants. We are very glad and very helpful. We are very glad to be here. And you are here, we are seeing that. Now, within a second, we will start the session. So, the agenda of the workshop today is the entrepreneurship as well as the how could you assemble and how could you be set up a LED manufacturing unit with the point of view of a business and with the point of view of your side income, or you could say that it's a entrepreneurship. So we have to start that, okay? Inform to all the student and inform to all your colleagues, they must have to present here. Okay, should we start, beta? Aap apne college group mein inform kar dijiye, any faculty, any teacher or any entrepreneur or self-employed person could be participate to this workshop. And I think that this workshop will be beneficial. And I would like to explain about the benefit regarding to the workshop to you. The workshop will be beneficial with the point of view of learning, as well as you will get the certificate after attempting the quiz. So workshop jaise hi complete hogi, ek link description mein diya jayega. Wahan par aap ek ghante ke liye us link ko activate kiya jayega. जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, रिगार्डिंग टू द वर्कशॉप आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को आप फिल करेंगे और सबमिट करेंगे. टॉप 30 स्टूडेंट दे विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ द एलईडी वर्कशॉप एफिलिएटेड एंड अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आपको जो वर्कशॉप का जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो काफ़ी वैल्यूएबल होगा. उसके बिहाफ पे आप कहीं भी अपने चीज टेक्निकल एक्सपोजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप टेक्निकल रिफ्लेक्शन दे सकते हैं. तो जैसे कि आप सिंपल सा एक चीज़ समझिए कि हम लोग यहाँ पर एक गैदर्ड कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, नई चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट दे डोंट हैव द आइडिया, दे डोंट हैव द बैक सपोर्ट फॉर द गाइडेंस पर्पस, एंड पीपल रियली वांट दैट. लोग ये चाहते हैं कि स्टार्टअप उनका कैसा हो, स्टार्टअप कैसा होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए. इन चीज़ों का जब आपको आइडिया हो जाता है, व्हेन यू विल बी एबल टू जस्ट सेटअप अ न्यू काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देन यू रियली फील दैट कि आप सिस्टम को किस तरीके से अपने बिहाफ पे एक्टिवेट कर सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे, वी विल वेट ओनली 2 मिनट टू दोज पीपल हु आर रियली अबाउट टू जस्ट ज्वाइन. और आप अपने कॉलीग्स को, अपने साथियों को, अपने स्टूडेंट्स को, जो भी आपके साथ हैं, उन तक ये मैसेज पहुँचा दें, इन्फॉर्म कर दें. और इन लोगों को देखिए, ये वर्कशॉप आपके साइड इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प करेगी. ये वर्कशॉप क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने अपने थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में ये 2 साल बिजनेस किया है एलईडी का, यानी बल्ब का, और उन बल्ब्स के बिजनेस से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ. जब हम लोग पास आउट हुए तो हमारे कुछ रिसोर्सेस डेवलप थे, कुछ पैसे हम लोगों ने सेविंग करके रखे हुए थे. देखिए, जब आप टेक्निकल नॉलेज को या एक स्किल को नीड के बेसिस पर अप्लाई करते हैं और आफ्टर द एप्लीकेशन व्हेन यू गेट बेनिफिशियल, यानी उसका पे बैक पाते हैं, तो आपका मोटिवेशन बढ़ता है, एज वेल एज आप और भी चीज़ों में एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ते हैं. एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा,
कि जितना ज़्यादा आप चीज़ें जान रहे होंगे, जितना ज़्यादा चीज़ें आप समझ रहे होंगे, उतना ही तेज़ी से उन पर्टिकुलर फील्ड्स में क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग द लेट टू LED वर्कशॉप के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसकी हिस्ट्री, उसकी बैकग्राउंड, उसकी सारी चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर देखें, इफ़ यू सी हियर देर विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ बल्ब, इफ यू सी देयर अ डिफरेंट काइंड ऑफ बल्ब आर, तो हम लोग इसे बनाना सीखेंगे। जैसे फर्स्ट वन, इफ यू वॉन्ट टू सी देयर, आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें विजिबल हो रही होंगी। दिस वन इज अ टाइप वन बल्ब, यू कुड सी देयर, दिस वन इज द टाइप वन बल्ब, ये वाला। और ये जो आप देख रहे हैं, इट इज द टाइप टू बल्ब, दिस इज द टाइप टू बल्ब। और अगर बात आप इसकी करते हैं, दिस वन विल बी द टाइप थ्री बल्ब। तो ये तीन अलग अलग तरीके के बल्ब हैं, जिसे हम अभी असेंबल करके, बाकायदा आपको चला के और सिंपली इन चीज़ों को गैदर्ड करके आपको ये पता चलेगा कि हाँ किस तरीके से ये चीज़ें चलती हैं। तो जैसे ये टाइप वन बल्ब देखें, टाइप टू बल्ब देखें, टाइप थ्री बल्ब देखें, तो इन तीनों बल्ब में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, कुछ ना कुछ तो एक कह सकते हैं कि एक अलग सी चीज़ें होंगी। कैसे इसे हम असेंबल करेंगे, इन कंपोनेंट्स का क्या नाम है, ये कंपोनेंट बनाए कहाँ जाते हैं, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहें तो कितने रुपीज़ आपको इन्वेस्ट करने होंगे, कितना आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्या उसके साथ टूल्स चाहिए होगा, क्या आपको हार्डवेयर चाहिए होंगे, किस तरीके का मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, दिस ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स वी विल डिस्कस हियर। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, वी विल डिस्कस हियर। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है बेटा कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे ये टाइप वन बल्ब है आपका, दिस इज़ द, तो आप इसकी बात करें, दिस इज़ द पॉलिस्टर कैपेसिटर एंड इट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, दिस वन इज़ द PCB फॉर यू एंड इट इज़ द कंपोनेंट इज़ कॉल्ड एज द B22 कैप, इट्स एट अ हाउजी और इसका एक ग्लोब है ना, तो इस तरीके से दिस वन इज़ द ग्लोब फॉर दैट, तो ये ग्लोब हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और देखें, तो टाइप टू बल्ब में अगर देखें, तो टाइप टू बल्ब में आप कुछ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे एक सिंपल सा कोई कैपेसिटर नहीं, कुछ भी नहीं, एक ये PCB है और ये आपका एक हीट सिंक है, B22 कैप है, दिस वन इज़ अ हाउसिंग और ये हो जाएगा आपका ग्लोब। अगर इसमें आप देखें तो देयर विल बी ऑल्सो अ PCB और ये कंपोनेंट लगा हुआ है, इट्स अ ड्राइवर। अब ड्राइवर दो तरीके के होते हैं, लो पास भी होते हैं, हाई पास भी होते हैं, और इसे आप अगर देखें तो दिस वन विल बी द B22 कैप, दिस वन इज़ द हीट सिंक माउंटेड हाउसिंग एज वेल एज दिस वन इज़ द हीट सिंक। तो यहाँ पर ये कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसमें हम लोग यूज़ करके इन चीज़ों को स्टडी करके और वी विल गेट द बेनिफिशियल रिगार्डिंग टू दिस वन। और देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास जो सेटअप है उस पर हम देख रहे हैं कि जो लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो जो लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे वी विल आंसर टू दैट क्वेश्चन, और आप अपने क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलेगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। वी हैव टू स्टार्ट, और आपको पहले हम ये बता देते हैं कि किस तरीके से वी हैव टू सिंक्रोनाइज देयर, किस तरीके से हम इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और इन चीज़ों को देखें। ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाएंगी आपको। आप कभी भी देखें किसी भी चीज़ स्किल्स को डेवलप करिए, ना कि आप ये सोचें कि हमें इन चीज़ों को बस सीख लेना है और सर्टिफिकेट लेना है। नो, द पर्पस ऑफ दिस वर्कशॉप इज़ कि हमें यहाँ पर कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को अप्लाई करना है, अप्लाई करने के अलावा हमें इन चीज़ों को सीखना है, सीखने के साथ साथ हमें इसे अपने अर्निंग रिसोर्स की तरफ ले जाना है। वी मस्ट हैव टू एम्फसाइज टू द अर्निंग रिसोर्स टू दिस वन। अब बात यह आती है कि क्या होता है बल्ब और इसकी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से चलेगा। नाउ वी शुड हैव टू स्क्रीन, तो विदाउट गेटिंग एनी लेट वी हैव टू स्टार्ट। ओके बेटा, अभी भी जो स्टूडेंट या जो भी लोग पार्टिसिपेंट ना हो वो करें, एक सिनेरियो हम बता देते हैं उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, आप इसमें फर्स्ट वन यू विल गेट बेनिफिशियल विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सर्टिफिकेट, आप सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल होंगे। टॉप 30 स्टूडेंट होंगे और जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे उनको हम कुछ ना कुछ प्राइज प्रोवाइड करेंगे। जो भी क्वीज में और क्वीज के सारे क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चन ऑफ द क्वीज विल बी अकम्प्लिश फ्रॉम दिस वर्कशॉप, कहीं बाहर से नहीं होंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकली इस क्वीज में, इस वर्कशॉप में दी जाएंगी, आपको वही चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन पूछने के बाद जब आप पेपर को सबमिट करेंगे, टॉप 30 स्टूडेंट को हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज टॉप 3 स्टूडेंट को प्राइज भी प्रोवाइड कराएंगे।
तो यहाँ पर सिंपली एक गैदरिंग है कि आप एक छोटा सा हम लोग का इनिशिएटिव है कि अपने इंडिया में भी स्टार्टअप स्टूडेंट लेवल पर हो या एक स्मॉल स्केल लेवल पर हो, लोग उसे स्केल अप करें और समझें, पढ़ें, जानें। तो बात यह आती है कि अगर हम स्टूडेंट लेवल पर या स्मॉल स्केल लेवल पर भी इस चीज़ को बढ़ाएं, इस चीज़ को समझें, तो किस तरीके की चीज़ें हमें स्टार्ट करनी होगी, किस तरह का स्टार्टअप करना होगा, क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ से हम मटेरियल मंगाएंगे, किस तरीके से करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आई होप कि अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वी हैव टू जस्ट स्टार्ट द वर्कशॉप। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप को। और इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि जहाँ पर भी आपको पूरे पीपीटी में या पूरे प्रेजेंटेशन में जो पॉइंट्स आपको बताए जाएं, आप उस पॉइंट्स को ज़रूर लिख लीजिए, क्योंकि उन्हीं पॉइंट से सीधे आपके क्वेश्चंस आएंगे। इस वर्कशॉप का सीधा सा एक ही कॉन्सेप्ट कंक्लूजन निकलेगा, जो जितना ज़्यादा फोकस होकर चीज़ों को समझेगा, नोट डाउन करेगा, सीखेगा, समझेगा, वो उतनी आसानी से स्टार्टअप में अपने आप को ले जा पाएगा। एज वेल एज जो क्वीज होंगे फॉर द सर्टिफिकेट, फॉर द प्राइज, वो क्वीज भी आसानी से क्या कर पाएगा, आसानी से उस क्विज को अटेम्प्ट कर पाएगा। सो वी शुड हैव टू जस्ट स्टार्ट टू देयर। और आपको देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन डू यू हैव, यू शुड आस्क मी। आई एम वॉचिंग कंटिन्यूअसली टू द वन स्क्रीन, एंड आफ्टर वॉचिंग टू द योर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू वुड लाइक टू आस्क। ओके, सो वी हैव टू स्टार्ट नाउ। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट। तो चलिए पहले आपको कुछ चीज़ें बता दी जाती हैं रिगार्डिंग टू योर एलईडी बल्ब। चलिए, हाउ मेनी पीपल नो व्हाट इज एलईडी? हाउ मेनी पीपल नो? एलईडी स्टैंड फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। हम बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहे हैं और आपको एलईडी का एक जो ब्रॉड लेवल पर आपका नॉलेज है वहाँ तक हम ले जाएंगे। तो बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वी विल से दैट व्हाट इज़ एलईडी। एलईडी इज़ द लाइट एमिटिंग डायोड। व्हाट इज़ दैट बेटा? इट्स अ लाइट एमिटिंग डायोड। इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से, थोड़ा सा हिस्ट्री बता देते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन लाइफ में इंसान ने सबसे पहले पत्थर को रगड़ा, आग जलाया, उसके बाद फिर दीपक बनाना सीखा, फिर उसमें ऑयल से उसने दीपक जला के फिर रोशनी की, रोशनी के बाद फिर उसने शिफ्ट किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसने जब सेल बना लिया, सेल से उसने छोटे छोटे अरेंजमेंट करके कुछ चीज़ें जलाईं, उसके बाद फिर जब उसे इलेक्ट्रिसिटी मिली तब बल्ब मिला, बल्ब के बाद कैटेगरी अब बल्ब भी मिला तो इनकंडेंसेंस लैम्प मिला, इनकंडेंसेंस लैम्प से स्विच करके ह्यूमन बढ़ा आगे कंप्लीट फ्लोरेसेंट होता CFL की तरफ, कंप्लीट फ्लोरेसेंट लैम्प की तरफ। CFL के बाद इंसान स्विच करके वो गया LED की तरफ। तो आज हम एक ऐसी जनरेशन में बैठे हुए हैं जो कि LED बल्ब का यूज़ कर रही है। अब LED के बाद भी एक टेक्नोलॉजी होगी जिसे हम Li-Fi कहते हैं, है ना। तो वो सिंपली आपके वायरलेसली ऐसे डिवाइसेस बनाए जाएंगे जो वायरलेसली बहुत ही माइन्यूट करंट पर अपने आप को ग्लो करके चलाएं, तो वो एक फर्दर टेक्नोलॉजी होगी, वो चीज़ें बनेंगी। अब हमें सिंपली करना क्या है बेटा, यू शुड हैव टू सी देयर कि अगर हम लाइट एमिटिंग डायोड की बात करें तो गैलियम फास्फाइड आर्सेनाइड इन मटीरियल्स का कंपोजिशन करके हम डिफरेंट काइंड ऑफ LED बनाते हैं और अलग अलग कलर की LED बनाते हैं। तो LED आर द टाइप ऑफ सॉलिड स्टेट लाइट एज आर ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम OLED भी कहते हैं, एंड लाइट एमिटिंग पॉलीमर्स LEMS। तो जो न्यू जनरेशन होगी वो लाइट एमिटिंग पॉलीमर्स के लिए ही होगी। तो अभी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, अभी हम लोग दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट लाइटिंग, वी आर यूजिंग द सॉलिड स्टेट लाइटिंग एज वेल एज वी आर यूजिंग द OLED ऑर्गेनिक एमिटिंग लाइट एमिटिंग डायोड। तो अभी जो हमारी जनरेशन यूज़ कर रही है वो यूज़ कर रही है OLED एज वेल एज यूज़ कर रही है SSL, दैट मीन्स सॉलिड स्टेट लाइट्स। अब अगर आप देखें तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो एमिटिंग
यानी लाइट एमिटिंग पॉलीमर्स की होगी, जो कि लाइट एमिटिंग पॉलीमर्स में देखें तो जो एलईडी बल्ब आप छोटा सा देखते हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा, जैसे एनोड वाली लेग्स अलग होती हैं, कैथोड की अलग होती हैं, फ्लैट स्पॉट देखते होंगे वो अलग होता है, एनविल अलग होता है, एविल अलग होता है और लीड फ्रेम। अब यहाँ पर जो एनविल से एविल के अंदर जो आईसीज के थ्रू इलेक्ट्रॉन जाते हैं, देखिए एलईडी का ग्लो होना किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो ऐसे होता है, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से निकल के वैलेंस बैंड में जाता है और वैलेंस बैंड में अब देख सकते हैं, जब वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड में जाता है, फ्रॉम वी बी यानी वैलेंस बैंड से निकल कर कंडक्शन बैंड में जाता है और कंडक्शन बैंड में अपने एनर्जी को लूज करके वापस जब वो वैलेंस बैंड में गिरता है तो होल के साथ रिकम्बाइन करता है। जब होल के साथ रिकॉम्बिनेशन होता है तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो या रिकम्बाइन हो तो वो दो तरीके से एनर्जी को लूज करता है, ईदर दैट विल लूज इन फॉर्म ऑफ द लाइट और इन फॉर्म ऑफ द हीट। या तो इलेक्ट्रॉन्स हीट के फॉर्म में एनर्जी को लूज करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन लाइट के फॉर्म में एनर्जी को लूज करते हैं, इट डिपेंड्स कि अब किस तरीके का मटेरियल कंपोजिशन बनाया गया है। अगर आपने सिंपल सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाया है तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होने के बाद हीट के फॉर्म में अपनी एनर्जी को लूज कर देंगे। अगर आपने गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड मटेरियल का कंपोजिशन किया है तो ये आपके लाइट के फॉर्म में एनर्जी को लूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये कंसेप्चुअली चीजों को बताते हैं। ओके, सो वी शुड प्रोसीड। अब बात करते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड की, अगर हम कहें कि टाइप ऑफ द डिफरेंट लाइट एमिटिंग डायोड्स आर, तो अगर आप बल्ब की कैटेगरी बनाएं, इफ यू कैटेगराइज टू द बल्ब यू विल फाइंड, ओके, तो अगर आप बात करते हैं कि भाई किस तरीके के बल्ब हमारे हैं, तो एलईडी बल्ब, इनकंडेंसेंस लैंप और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है किसका, सीएफएल का, कंप्लीट फ्लोरोसेंट लैंप, लाइट इमिटिंग डायोड एज वेल एज इनकंडेंसेंस लैंप। तो ये तीन तरीके के बल्ब की कैटेगरी बनाई जाती है, बल्ब की अपनी चीज़ें होती हैं, यू शुड हैव टू सी देयर। तो बात करते हैं अब की तीन कैटेगरी है, इफ़ यू कैट सी हियर, कुछ पैरामीटर होते हैं जिसके बिहा पे हमको बेस्ट बल्ब को चूज करना होता है, वी शुड हैव टू चूज ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ पैरामीटर और डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी वी हैव टू चूज हियर। तो पहला जो होगा वो लाइट एमिटिंग डायोड की अगर कैटेगरी देखें, इनकंडेसेंस लैम्प देखें और कंप्लीट फ्लोरोसेंट लैम्प देखें। देखिए सिंपल सा बात यह होती है कि जो आपका लाइट एमिटिंग डायोड है, लाइट एमिटिंग डायोड, आई थिंक लाइट एमिटिंग डायोड वी शुड हैव टू एम्फेसाइज देयर कि भाई लाइट एमिटिंग डायोड आपका इनकंडेंसेंस लैम्प और कम्प्लीटली जो आपका कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प है, सीएफएल जिसे हम बोलते हैं, इट्स अ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इन दोनों को उसने क्या किया, रिप्लेस किया। रिप्लेस किस बिहाब पे किया, अगर हम बात करें कि इसने रिप्लेस किस बिहाब पे किया, तो अब आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर इनकंडेंसेंस लैम्प और कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प को रिप्लेस करने का जो इसका मकसद था वो कुछ पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं। इफ यू सी देयर, सेंसिटिविटी टू लो टेम्परेचर, सेकेंड वन इज द सेंसिटिविटी टू ह्यूमिडिटी, ऑन ऑफ साइकिल, टर्न ऑन इंटेंसली, ड्यूरेबिलिटी, हीट एमिटेड एंड फेल्योर मोड। तो चलिए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपने, जो हम लोगों ने हमारी जनरेशन में 90s की जनरेशन ने जब ये देखा कि आपने देखा होगा इनकंडेंसेंस लैम्प जो 10 रुपीज़ का मिलता था, तो आप 10 रुपीज़ का बल्ब खरीद के लाते थे और उसे क्या कर देते थे, अटैच कर देते थे, अब वो चलना शुरू हो गया। अब बात करेंगे सीएफएल की, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प की, इसके बाद हम लोगों ने सीएफएल यूज़ किया, तो सीएफएल में भी कुछ खामियां थी कुछ अच्छाइयां थी, ऑब्वियसली बात है। यहाँ पर दूसरी बात आई, फिर लाइट एमिटिंग डायोड आया, तो लाइट एमिटिंग डायोड में भी कुछ अच्छाइयाँ होंगी कुछ खामियां होंगी। तो वो जो पॉइंट्स हैं जिस पर हमें डिस्कस करना है कि भाई किस बिहा पे आप किसी लाइट किसी बल्ब को अच्छा या बुरा कह रहे हैं, वो क्या है, सेंसिटिविटी टू लो टेम्परेचर, मतलब जैसे आप लोग देखते होंगे ठंडी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ जाती है तो जो घर के रॉड होते हैं एज वेल एज सीएफएल होते हैं, वो उनका ग्लो होना बहुत धीमा हो जाता है, वो बहुत धीमे ग्लो करने लगते हैं। इसका क्या मतलब है, जो धीमा ग्लो होने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कि उसके अंदर जो सीएफएल होता है उसके अंदर जिंक की कोटिंग होती है, और जिंक की कोटिंग जब होती है तो उसके अंदर जो गैस भरी जाती है वो आपका गैस कौन सी होती है बेटिया,
इधर दैट विल बी द आर्गन और दैट विल बी द हीलियम। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई हीलियम या आर्गन जो भी आपकी गैस उसके अंदर भरी हुई है वो इनर्ट गैस होनी चाहिए, आयोनाइज नहीं होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन के साथ गैस आयोनाइज होना शुरू होगी तो स्पार्क जनरेट करती है। व्हाट आई एम सेइंग दैट अगर गैस के साथ इलेक्ट्रॉन आयोनाइज होना शुरू हो जाता है तो दैट विल प्रोड्यूस अ स्पार्क, वो स्पार्क को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो CFL के अंदर ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इनकैंडेसेंस लैम्प के अंदर थोड़ी थी, और आपके LED के अंदर किसी भी तरीके का गैस यूज नहीं करते हैं। दूसरी चीज रहती है सेंसिटिविटी टू ह्यूमिडिटी। अब जैसे मान लीजिए स्ट्रीट लाइट्स हैं या आपके घरों के बाहर लगे हुए हैं, घर पे बारिश हुई, बारिश हो रही है या ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ गई, कोहरा हो रहा है, फॉगिंग इज देयर, तो फॉगिंग की वजह से या बारिश की वजह से अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है तो आपके जो लाइट्स हैं उन पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो CFL में देख सकते हैं रिड्यूस द लाइफ स्पैन इंटेंसली, यानी कि इसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि सेंसिटिविटी टू ह्यूमिडिटी इसमें थी, इनकंडेंसेंस लैम्प में ज़्यादा थी थोड़ा सा, और लाइट एमिटिंग डायोड में नहीं है। तो दो एडवांटेज इसके मिले। अब बात करते हैं ऑन ऑफ साइकिल की। तो जैसे कोई बल्ब है, आप लोग देखते रहे होंगे कि इनकंडेंसेंस लैम्प जो आपका 100 वाट का होता था उसने आप कभी कभी स्विच ऑन करते ही वो क्या हो जाता था, फ्यूज़ हो जाता था। उसका जो फिलामेंट होता था वो फिलामेंट क्या कर जाता था, फ्यूज़ कर जाता था। तो एक सीधी सी बात है कि भाई फिलामेंट आपका जो फ्यूज़ कर जा रहा है उसकी वजह क्या है, उसकी ऑन ऑफ साइकिल अच्छी नहीं है, दिस इज़ नॉट अ गुड ऑन ऑफ साइकिल। तो हम कहेंगे ठीक है ऑन ऑफ साइकिल अच्छी नहीं है तो अब क्या करें। तो यहाँ पर बनाया गया CFL को, CFL की जो ऑन ऑफ साइकिल थी वो इनकंडेंसेंस लैम्प से गुड थी, लेकिन फिर भी वो कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता था। अब बात आई टेक्नोलॉजी LED की, लाइट एमिटिंग डायोड की। तो इस टेक्नोलॉजी ने कहा कि इट हैविंग द ऑन ऑफ साइकिल, अभी हम इन पॉइंट को डिस्क्राइब करेंगे, वी विल डिस्कस देयर। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यू विल सी दैट कि क्या चीज़ें होंगी। अब अगर आप बात करें व्हाट द मीन ऑफ उद्देश्य, राइट कॉर्नर इज नॉट बीइंग फिजिबल, तो राइट कॉर्नर तो हम ही हैं, कोई बात नहीं, आप लोग देखते रहें, यू विल सी देयर। अब बात यहाँ पर यह रही कि टर्न ऑन इंटेंसली की, कितनी जल्दी से टर्न ऑन करते हैं, कितनी जल्दी टर्न ऑफ करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ करना ये कितनी जल्दी हो जाता है। जैसे ठंडी के दिनों में आपने स्विच ऑन किया, CFL बल्ब है, बहुत देर के बाद ऑन हो रहा है, बहुत देर के बाद ऑफ हो रहा है, दैट मीन्स कि उसको ऑन होने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैसेस जो होंगी वो हीटअप होंगी, हीटअप होने के बाद कंडक्शन मोड में आके इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हुए ले जाएंगी। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम होती थी, जो घर में रॉड लगते थे पहले वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है स्विचिंग करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। लेकिन LED का ऐसा कुछ नहीं है, वो इंस्टेंटली ऑन होता है, इंस्टेंटली क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ड्यूरेबिलिटी विद द पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सा लाइट लॉन्ग टाइम का, यानी कि जैसे मान लीजिए आप बल्ब है कहीं गिरा फूट गया, कोई पत्थर लग गया फूट गया, इवन दैट कि किसी भी वजह से आपने रख रखा था और उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट टकराया और वो डैमेज हो गया, तो ये चीज़ किस में ज़्यादा था, ये चीज़ CFL में था और इनकंडेंसेंस लैम्प में था। या आपके LED बल्ब में अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, आप पटक भी दें तो LED बल्ब को ख़राब नहीं होना है। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ती चली गई, उसके ड्यूरेबिलिटी बढ़ती ही चली गई। इट मीन्स अब बात यह आई कि हीट एमिटिंग, अगर आप देखें तो इनकंडेंसेंस लैम्प में सबसे ज़्यादा हीट एमिटिंग था, यानी कि जैसे आप लोगों ने यूज़ किया भी होगा, स्विच ऑन कर दिया, लाइट ऑन है, अब ऑफ फौरन ऑफ करके आप बल्ब को नहीं निकाल पाते थे जो 100 वाट का आपका इनकंडेंसेंस लैम्प होता था। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि CFL की, तो CFL को भी इतनी आसानी से नहीं निकाल पाते थे, हमें कुछ ना कुछ क्लॉथ का या किसी इंसुलेटर का यूज़ करना पड़ता था। लेकिन अब अगर बात करते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, तो लोग लाइट ऑन है और उसको निकाल लेते हैं, इट मीन्स कि वो इतना ज़्यादा हीट इमिट नहीं करता। जब हीट इमिट नहीं करेगा तो ग्लोबल वार्मिंग पर भी इसका इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक घर में एक बल्ब है तो मान के चलिए हर कमरे में एक बल्ब लगाते हैं तो हज़ारों बल्ब तो एक मोहल्ले में ही मिल जाएंगे आपको, और एक सिटी की बात करें तो करोड़ों बल्ब मिलेंगे आपको एक सिटी में। तो यहाँ पर करोड़ों बल्ब की अगर बात करते हैं तो सिंपल सी एक बात है भाई, करोड़ों बल्ब हैं, करोड़ों बल्ब अगर आपके कंडेंसेंस लैम्प होंगे और हीट को इमिट करना चालू किया उन्होंने, तो
तो ये मान लीजिए बहुत प्रॉब्लम होगी। किस बात की? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये हीट इमिट का फेल्योर मोड, फेल्योर मोड का मतलब ये है कि जैसे कभी किसी भी वजह से फेल्योर मोड हो जाए, यानी कभी ग्री गैर टूट गया या लाइट फ्लैक्चुएट कर गई, करंट फ्लैक्चुएट कर दी, वोल्टेज स्विच हो गया, कुछ भी हो जाए, उन सारी चीज़ों में आप देखें तो एक फेल्योर मोड का होना ज़्यादा होता है। लेकिन लाइट इमिटिंग डायोड में बहुत ही टिपिकली ये फेल्योर होता है। अब ये नहीं कह सकते कि भाई रख के कोई उसे बैट से पीटना शुरू कर दे तो बात की बात है, वो तो फेल्योर हो ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक जनरली हम बात करते हैं कि जो एक फेल्योर मोड था वो आपका इनकैंडेसेंस लैंप में कुछ था, कुछ इंप्रूव हुआ तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप में आया, उसके बाद फिर आपका या तो फेल्योर मोड बहुत कम था हमारा लाइट इमिटिंग डायोड में। तो अगर हम बात करें कि डिफरेंट काइंड ऑफ एलईडी, देखिए आज के टाइम में जो हम देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके की कलर्स विजिबिलिटी, जो हम आप कह सकते हैं कि डेकोरेशन में या अलग अलग तरह के एलईडी के कलर कॉम्पोजिशन से एक लाइट को क्रिएट करना और पूरा ग्लिम्स और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना लाइट का, वो चीज़ें इन कंडेंसेंस लैम्प में पॉसिबल नहीं थी। आप लोगों ने देखा भी होगा इन कंडेंसेंस लैम्प में शादियों में बहुत पहले, जो आप अपने पेरेंट्स के साथ बचपन में जाते रहोगे, देखते रहोगे, तो सजावट में वो क्या करते थे, ये एक पॉलीथीन होती थी जो शाइनिंग होती थी, तो उस पॉलीथीन को इनकैंडेसेंस लैम्प में बांध दिया जाता था। तो बांधने के बाद वो लाइट को इमिट करता था तो वो कलरफुल होता था। लेकिन क्या ये सही तरीके से लाइट ग्लिम्स होती थी? नहीं होती थी। CFL में भी यही लोग करते थे, CFL का बल्ब लाए और उसके ऊपर एक कलरफुल वो बांध दिया उन्होंने, तो लाइट बस कलर कर रहा है लेकिन इल्यूमिनेंस नहीं हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए भी देखा गया कि भाई अगर हमको कलरफुल वोर्ड चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि लाइट कलरफुल हो और काफ़ी एक फैसिलिटेटेड एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो फॉर रिगार्डिंग टू दैट द LED कॉन्सेप्चुअली, तो यहाँ पर ये कहते थे कि इन्होंने कहा कि भाई LED, तो ये पॉसिबिलिटीज़ कब हुई? पॉसिबिलिटी तब हुई जब लाइट एमिटिंग डायोड को रिसर्च करने के बाद आपको दिया गया। तो लाइट एमिटिंग डायोड आफ्टर द रिसर्च यू हैव टू फाइंड। अब बात यह आती है कि कितने तरह से कैटेगराइज किया जाता है वॉटेज को। भाई देखिए, आप कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, रेजिडेंशियली यूज़ करते हैं, या आप आउटडोर यूज़ करते हैं। तो अगर कॉमर्शियली यूज़ करें, दैट मीन्स कि अगर आप बात और देखिए यहाँ पर देखें आप लोग, तो आपको बल्ब का जो सिनेरियो दिख रहा है यहाँ पर, तो रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है और आउटडोर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आपके बाहर के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके की कैटेगरी बनाई गई है। यू कुड सी हियर कि रेजिडेंशियल में, और यहाँ पर एक चीज़ हम रिमाइंडर देना चाह रहे हैं बेटा, अभी भी जो लोग अगर अभी ना आ पाए हों वो आ जाएं, क्योंकि ये जब हम प्रैक्टिकली हार्डवेयर पे जो LED अभी हमने तीनों बल्ब दिखाया था आपको, उन तीनों बल्ब को हम बताना शुरू करेंगे तब आपको। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टेक्निकल आपको जो टॉपिक्स हैं उन्हें जो कवर किए जाते हैं आप उनको क्या कर सकें, पढ़ सकें, जान सकें, सीख सकें। हम यहाँ पर थ्योरी का पोर्शन बहुत ही कम यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको सीखनी चाहिए विद द पॉइंट ऑफ व्यू द एंटरप्रेन्योरशिप इन्हेंसमेंट, आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो मोटिव है, वॉट एवर आवर मोटिव, कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इंडिया के यूथ है, वो नई चीज़ों को सीखे प्रैक्टिकली और अपने इंडिया को टेक्निकल एक्सपोजर की तरफ बढ़ाए। क्योंकि देखिए, कोई भी कंट्री तेज़ी से तब तक नहीं बढ़ पाएगी आगे जब तक उस कंट्री के यूथ इंडस्ट्रियल अप्रोच ना रखें, या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ना बढ़ें, या स्टार्टअप ना करें, तो उस कंट्री में बहुत तेज़ी से एक डेवलपमेंट नहीं होता है। तो हम अपने लेवल से अब हमने शुरुआत की है कि स्टूडेंट को हम किस तरीके से अलग अलग एंगल से, अलग अलग डायमेंशन से बेनिफिशियली पहुंचा सकें उन्हें फ़ायदा, इस बात के लिए बस इस यूट्यूब चैनल को ओपन किया गया है। द मोटिव ऑफ दैट यूट्यूब चैनल इज़ दैट we have to approach to you directly remotely, and you have to get beneficial with these kind of technical reflection of the topics, so you will be learn here. To bahut sari cheeze aap seekhne ko milengi, even that aap agar workshop ke baad aap log isme list mein visit bhi kariyega, aapko wahan par dekhne ko bhi milegi ki bhai alag alag technical series hain. To hum log mostly kya karenge, technical hi cheezon ko attach karte hain, technically approach karte hain. To dekhiye, acha yahan par teen tarike ke bulb ki hum baat kar rahe hain, teen tarike ke environment ki baat kar rahe hain jahan par hame bulb ko set up karna hai. To pehla hai residential, yani aapka kamra, aapka room, aapka drawing room, aapka living room, ye aapka ek residential ho gaya. दूसरी बात आती है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब जैसे आपके घर के बाहर का चबूतरा, आपके घर की गली, आपके कह सकते हैं कि प्लॉट, आपके गार्डन,
तो इस तरीके के जितने भी होंगी, या एक फैक्ट्री, फैक्ट्री में जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है वो इन्वायरमेंट, तो ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ हम कॉमर्शियली कहते हैं एक वाइड इन्वायरमेंट होता है, बड़ा इन्वायरमेंट होता है। दूसरा हम कहते हैं आउटडोर। आउटडोर का मतलब अब जैसे चौराहा है, कोई क्रॉस सेक्शन है, कोई क्रॉस सेक्शन पर चार रोड हैं, उस चारों रोडों पर हमको क्या करनी है, रोशनी पहुंचानी है और अच्छी इंटेंसिटी से पहुंचानी है, और काफ़ी दूर तक हमें रोड को क्या करना है, कवर करना है, किससे, लाइट से। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम बात करें तो लाइट की इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की रिक्वायरमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया दैट विल बी चेंज। तो जिस तरीके से हमें इन्वायरमेंट के हिसाब से कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ों के हिसाब से चेंज होता है। तो बात करते हैं कि वाट की, तो याद रखिएगा 25 वाट से कम, यानी कि अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड होता है 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, 18 वाट एज वेल एज आपका इसके भी आगे। तो अगर हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से हमें करना चाहिए, तो सिंपली याद रखिएगा कभी भी आप अपने घर में बल्ब को जो कि 25 वाट से ज़्यादा उसे एक कमरे में मत लगाइएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि जो कोई भी बाहर से आएगा आपके कमरे में उसकी आंखों पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। तो एडवर्स इफेक्ट पड़ने की वजह ये है कि भाई किस तरीके से आपकी जो लाइट का रेडिएशन है वो आँखों पर नुकसान पहुँचाएगा। तो अब क्या करेंगे, आप लाइट की इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी जो मेज़र की गई है एक 12x12 यानी 12 फिट बाई 12 फिट की जो लाइट थी, कितने फिट बाई कितने फिट बेटा, 12 फिट बाई 12 फिट की जो एक रूम स्टैंडर्ड माना जाता है, उस रूम में आप 9 वाट 12 वाट की ही एलईडी बल्ब को लगाइए जिसकी ल्यूमिनस, LM इज हियर ल्यूमिनस, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो 3000 ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो। अगर आप कॉमर्शियल की बात करते हैं तो कॉमर्शियल में 15 वाट से लेकर 75 वाट यानी 15 वाट से लेकर 75 वाट के बीच में आप लगाएंगे। अगर आउटडोर की बात करते हैं तो जिस तरह का जितना बड़ा इन्वायरमेंट होगा उसके भी हाफ पे 25 वाट से लेकर 250 वाट तक आप इसको लगाइए। दैट मीन्स कैटेगरी बनाई गई आफ्टर द कैलकुलेशन टू द ल्यूमिनस इंटेंसिटी रिक्वायर्ड फॉर द आईज एंड विच इज नॉट इन्फेक्टेड फॉर आवर बॉडी, वो क्या होगा 25 वाट एज वेल एज 15 वाट से लेकर 75 वाट तक एज वेल एज 35 वाट से लेकर 250 वाट तक। तो यहां पर ये सारी चीजें, यहां पर 35 वाट से लेकर 25 वाट तक, तो सिंपली आप देख सकते हैं कि कैटेगरी है। ओके, नाउ वी शुड हैव टू गो टू द टाइप ऑफ आईसीज यूज हियर। तो डुअल इन लाइन पैकेजिंग की भी आईसीज रखी जाती हैं जिसे डीप आप कहते हैं। तो डीप में और इसमें डिफरेंस होता है, इफ़ यू सी देयर, अभी हम आप हार्डवेयर पर डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से कैसे कैटेगराइज होती है। देखिए अगर हम बात करें इस मॉड्यूल की, तो इस मॉड्यूल में सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं और यहाँ भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे डीप डुअल इन लाइन पैकेजिंग, तो जो कंपोनेंट सोल्ड करके होल्ड करके नीचे की तरफ से सोल्डिंग की जाती है तो उनको हम DIP कहते हैं, जिसमें देख रहे हैं आप इस तरह के ICs। और अगर बात करते हैं आप SMD की, सरफेस माउंटेड डिवाइसेस की, तो आप इन प्लेट को देखिए, इस प्लेट को देखिए, इनकी सारी LEDs सरफेस पर क्या है बेटा, सरफेस पर माउंटेड है। यहाँ पर देखें सरफेस माउंटेड, तो आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं, अगर आप इसे देखें तो दीज आर द सरफेस माउंटेड डिवाइसेस। तो जो भी ICs हैं वो सरफेस पर क्या है, माउंटेड हैं। तो अब पहले क्या होता था, LED की जब शुरुआत हुई थी तो उसमें जो LEDs आती थी वो डिप में आती थी डुअल इन लाइन पैकेजिंग में। अब यहाँ पर जो SMDs की यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें बल्ब को हल्का बनाना है, छोटा बनाना है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस कंपोनेंट की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा रखनी है ताकि हम इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ज़्यादा मिल सके हमें। तो सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है इसका, और अलग अलग तरह की PCBs इसे माउंट किया जाता है। तो अगर आप बात करें मेटल कोर PCBs की, देखिए PCB तीन तरीके से कैटेगराइज होती है। आई एम एम्फेसाइजिंग हियर PCBs आर 3 काइंड। फर्स्ट वन इज द 0 PCB, सेकेंड वन इज द कॉपर क्लैड PCB, कॉपर क्लैड बोर्ड जिसे बोलते हैं, जिसे CCB कहते हैं। थर्ड वन होती है वो आपका मेटल कोर PCB होती है, जिसमें मेटल की कोडिंग होती है। तो अगर आप देखें, यू आर टू सी हियर, अभी हम जब हार्डवेयर पे बनाएंगे तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ देखें फॉर दिस, इसमें देखें मेटल नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो इस वाले में आपको मेटल दिखेगा, यू कुड सी हियर द मेटल। तो यहाँ पर ये वाला जो आपका PCB है, दिस PCB इज द नॉन मेटेलिक, दिस पॉलीमर,
इसे सीसीबी कहते हैं, कॉपर क्लैड बोर्ड कहते हैं, लेकिन इस वाले को आप मेटल कोर पीसीबी कहते हैं, जहां पर मेटल की क्या होती है, माउंटिंग होती है। क्या कोई हमें यह बता पाएंगे बेटा कि मेटल की कोटिंग क्यों क्यों की जाती है? एनीवन कुड आंसर मी बेटा, आखिर हम लोग मेटल की पीसीबी को क्यों यूज करते हैं, मेटल की कोटिंग क्यों की गई? आखिर मेटल कोटिंग की जाएगी तो मटेरियल ज़्यादा लगेगा, महंगा भी होगा, उसकी चार्ज भी बढ़ जाएगी, तो आखिर मेटल की कोर को क्यों लगाया गया? बेटा आकाश कुशवाहा नॉट विजिबल दिखा रहा है, अभी हम जब हार्डवेयर पे काम करना शुरू करेंगे तो एक एक कंपोनेंट आपको विजिबल हो जाएगा। ओके, ईच एंड एवरी कंपोनेंट विल बी विजिबल, क्योंकि अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो इससे है। क्लियर दिखेगा बेटा, अभी विजिबल होगा, अभी तो हम सिंपली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं आपको, इसमें देखे इमेज भी देखते रहेंगे, आपको विजिबल हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ, रिड्यूस द हीटिंग, अखिलेश रावत सेड दैट राइट आंसर, अखिलेश रावत ने राइट आंसर दिया है, अखिलेश रावत कह रहे हैं कि सर रिड्यूस द हीटिंग, ऑब्वियसली एग्जैक्टली करंट फ्लो, विकास सिंह इज नॉट यूज फॉर द करंट फ्लो, बेटा करंट फ्लो करा देंगे सारी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगी। बेटर ट्रैकिंग, आकाश कुशवाहा नो नॉट अ बेटर ट्रैकिंग, बेटा बेटर ट्रैकिंग के लिए नहीं होता है, बेटर ट्रैकिंग तो हम लोग सीसीबी में करते हैं, लेक ट्रैक तो सीसीबी में बनेगा, लेकिन हीट की जो कोटिंग की जाती है वो उससे हीट को सिंक करके हाई कंडक्टिविटी, हिमांशु सेइंग दैट हाई कंडक्टिविटी, नो शीलू रिड्यूस द हीटिंग डिसिपेशन इफेक्ट, एग्जैक्टली शीलू डिड दैट द राइट आंसर, रिड्यूस द हीटिंग डिसिपेशन इफेक्ट्स, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब एलईडी देर तक ग्लो करेगी तो उसमें से हीट इमिट होगा, हीट इमिट होगा तो फौरन हम उसे क्या करेंगे, सिंक करके बाहर निकाल देंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो मेटल की कोटिंग है वो हीट इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एज अ हीट सिंक यूज किया गया है, किसी तरह यूज किया गया बेटा, एज अ हीट सिंक, एग्जैक्टली सभी लोग मोस्टली सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो मेटल कोर पीसीबी को हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कह सकते हैं कि देयर आर अदर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशन, जैसे बाइक लाइट यूनिट एप्लीकेशन होता है, स्ट्रीट इफेक्ट्स इफेक्टिविटी एप्लीकेशन होता है, इसमें आप जनरल लाइटिंग एप्लीकेशन कह सकते हैं, पावर कन्वर्टर्स कह सकते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्रियल हाई वोल्टेज रिड्यूस पावर, ये जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली अब सिंपल सी बात आती है कि एक बल्ब का क्या इफेक्ट पड़ता है और एनर्जी का क्या उसका इफेक्ट पड़ता है, तो चलिए आपको हम छोटी सी एक कैलकुलेशन बताते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट करिएगा बेटा और कैलकुलेट करके हमें बताइएगा। देखिए हम पेपर में कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप यहाँ पर देख पाएंगे, यू कुड सी इन द पेपर टू द कैलकुलेशन, चलिए देखिएगा, तो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं हम, आप लोग देखिएगा, जैसे आप कहें कि सर हम लोग जो यूज़ करते थे इनकंडेंसेस लैम्प, जो ये वाला लैम्प होता था है ना, तो इस लैम्प को जब हम लोग यूज़ करते थे तो ये लैम्प कितने वाट का होता था बेटा, 100 वाट एज वेल एज कितने वोल्ट, 220 वोल्ट। चलिए हम इसको थोड़ा आप लोग को बता देते हैं, बड़ा कर देते हैं, नाउ यू कुड सी, तो यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है, आफ्टर दैट वी हैव टू गो देयर टू द डिस्कशन ऑफ दैट, तो चलिए देखिएगा आप लोग। ओके, तो अगर हम बात करते हैं इसकी कि किस तरह इसकी से होगा, तो दो तरीके के बल्ब थे, एक तो आपका ये इनकंडेंसेंस लैंप है और एक आपका एलईडी है ना, जो एलईडी बल्ब को हम इस तरीके से कह रहे हैं एलईडी, दिस वन इज द एलईडी एंड दिस वन इज द इनकंडेंसेंस लैंप, तो इनकंडेंसेंस लैंप कहते थे। तो आप बात कहेंगे कि ये कितने का होगा, ये कितने वाट का होगा, तो आप कहेंगे कि सिंपली यू कुड से दैट, तो यहाँ पर ये होता था सर 7 वाट का, कितने वाट का होता था बेटा 7 वाट, और ये कितने वाट का होता था 100 वाट। चलिए इसका कैलकुलेट करके देखते हैं कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, विच वन इज़ द कंज्यूमिंग मोर इलेक्ट्रिसिटी, तो हम कहेंगे कि अगर 100 वाट की आप बात करें तो फार्मूला होता है बेटा किसी का भी करंट निकालने का या कंजम्पशन निकालने का, क्या होता था, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, क्या होता है बेटा, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, और यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये भी होगा P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, देयर विल बी ऑल्सो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई। अब आप बात करें कि P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई में, चलिए निकालिए पावर कंजम्पशन, यहाँ पर निकालते हैं करंट को, तो हम कहेंगे करंट इज इक्वल टू इसका 100 वाट है अपॉन जरा 220 वोल्ट
इंटू पावर फैक्टर 0.8। जरा कैलकुलेट करिए बेटा कितना आता है ये, 100 अपॉन 220 इंटू 0.8 कैलकुलेट करिए कितना आता है, व्हाट विल बी दैट, कैलकुलेट करिएगा बेटा आप लोग, करंट कितनी आएगी, व्हाट विल बी द करंट बेटा, देखते हैं कौन जल्दी बताते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट करके कौन बताते हैं, हरी अब जल्दी से बताइएगा आप लोग, देखते हैं कौन बताते हैं, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई का फॉर्मूला लगा के जल्दी 100 को डिवाइड करिए 220 इंटू 0.8 से, देखते हैं कौन बताता है फटाक से जल्दी से, 0.45, 0.568, 0.36, सही से कैलकुलेट करिए भाई, 0.36 देखिए आप, अगर आप बात करें 100 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 0.8 तो हम 0.4 एम्पियर मान के चल रहे हैं, दैट मीन्स 0.38, तो करंट कितना निकलेगी 0.4 एम्पियर, तो आंसर जो जिन्होंने सही किया है 0.56, किस तरीके से करो भाई, एग्जैक्टली 0.36 होगा, वेरी गुड, तो जो 0.36 का जो जिन्होंने सही आंसर दिया सबसे पहले 0.36, अंकुर कुमार अवस्थी, अंकुर कुमार राइट दैट द राइट आंसर, एंड आफ्टर दैट जो नंदिता भारद्वाज एंड प्रिया शर्मा, दीज स्टूडेंट डिड राइट आंसर, इन्होंने सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया और मोस्टली स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं। चलिए इसकी करंट निकालते हैं बेटा, इसी करंट भी निकालिए जरा, I इज इक्वल टू 7 वॉट अपॉन 220 इंटू 0.8, अब जरा इसको बताइएगा, आप बताइएगा बेटा यहां पर बताइएगा आप, व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, व्हाट विल बी वैल्यू हियर बेटा, आप लोग इसकी जरा कैलकुलेट करके बताइए फटाक से, शाबाश बहुत से लोग सही आंसर बता रहे हैं, वेरी गुड, जल्दी बताइएगा इसको, बताइए बेटा, I इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 0.8, शाबाश बहुत से लोगों ने आंसर देना सही शुरू कर दिया है, तो व्हाट विल बी द आंसर, 0.0254, व्हाट विल बी द वैल्यू, 0.04, सही से डिवाइड करिए भाई, हम डिवाइड करके बताएं क्या वेरी गुड वेरी गुड, सभी लोग मोस्टली आंसर सभी से लोग सही दे रहे हैं, सभी लोग आंसर सही दे रहे हैं, तो चलिए अब जल्दी से हम देखते हैं कि भाई इसका कितना भी आएगा, वॉट एवर दैट विल बी, तो आप कहेंगे 0.025, 0.02, तो सिंपली 0.025, आप ऐसे मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड कर दो, तो 0.02 ही होगा मोस्टली, दैट विल बी ओके। तो चलिए हम देखते हैं, अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम 14 को मल्टीप्लाई करें 7 से कितना होगा बेटा बताइए, 14 7 जा 7 या आपका ये 14 7 जा कितना होगा बेटा, फिर एक कैलकुलेशन निकल के सामने आएगी कि हमें कौन सा बल्ब क्यों चूज करते हैं हम, हाँ 0.025 ही होगा बेटा, मोस्टली लोग अब राइट आंसर कर रहे हैं, 0.0254 ओके वेरी गुड, तो आप लोग बताइए जल्दी से कि ये वैल्यू कितनी होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू हियर, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो अगर आप बात करें किसकी, सिंपल सा कि नंबर ऑफ बल्ब 98, बिल्कुल 98, शाबाश, तो 98 आएगी, अब 98 तो आप कह रहे हैं 98, यानी कि अगर हम 7 वॉट के बल्ब यूज़ करें तब जाके 100 वॉट के नियर अबाउट पहुंच रहे हैं, अगर हम 7 वॉट के 14 बल्ब यूज़ करते हैं तब 98 के अबाउट पहुंचे, अभी भी 100 नहीं पहुंचे हम लोग, अभी भी हम लोग 100 नहीं पहुंचे हैं, दैट मीन्स कि एक कंक्लूजन आपकी कैलकुलेशन से निकल के आया,
फ्रॉम द कैलकुलेशन यू डिड फाइंड दैट कि जो आपका बल्ब है, द बल्ब इज दैट, कि जो कुछ भी आपका बल्ब है, अगर आप एलईडी बल्ब यूज करते हैं तो कितनी एनर्जी इफिशेंसी का डिफरेंस आता है और कॉस्टिंग का डिफरेंस आता है, ये आप समझ सकते हैं। अगर आपने कितने बल्ब यूज किए बेटा, एग्जैक्टली 14 बल्ब, अगर 7 वाट के 14 बल्ब यूज किए तब आप एक बल्ब इनकंडेंसेंस 100 वाट वाले के आसपास पहुंचते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि कोई बंदा अपने घर में एक बल्ब 100 वाट का लगाए हुए है और कोई बंदा अपने घर में 14 बल्ब लगाए हुए, वो भी 7 वाट का, तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होंगे। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज किया कि भाई कुछ पैसा हम भी लगा रहे हैं लेकिन प्लीज आप अपने घर से ये जो पीले वाले बल्ब हैं, ये जो इनकंडेंसेंस लैंप है, इनको हटाएं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का कंजम्पशन बेमतलब में ये बल्ब बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत एडवर्स इफेक्ट की तरफ ले जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होगा उसके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, दैट विल बी एब्सोल्युटली कंज्यूम। तो कह सकते हैं कि 14 बल्ब और एक बल्ब दोनों बराबर, दैट मीन्स कि एक बल्ब जितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है 100 वाट का, उतने 7 वाट के बल्ब यूज करके 14 बल्ब कंज्यूम कर रहे हैं। ये सिंपल सी बात है। अच्छा आप ये बताइए एक मज़ेदार बात कि क्या आपको पढ़ने में एलईडी में जनी मानी स्टडी करना चाहते हो, आप अपने टेबल लैंप में इनकंडेंसेंस लैंप लगाना चाहोगे 100 वाट वाला, या आप यूज करना चाहेंगे CFL या LED बल्ब कि आपके आंखों पर एडवर्स इफेक्ट ना पड़े, क्या यूज करना चाहेंगे? व्हाट वुड लाइक टू यूज दैट? मोनिका कश्यप से दैट कि हमने उसको वाई कैलकुलेट टू द करेंट। मोनिका कश्यप इज सेइंग दैट कि सर हम लोगों ने करंट क्यों कैलकुलेट किया। बेटा एनर्जी का जब फार्मूला होता है उसमें करंट आता है, ठीक है, तो करंट के बिहार पे आप एनर्जी के फार्मूले में रख के उसे निकाल सकते हैं। क्यों बेटा? एनर्जी का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पावर इज इक्वल टू W अपॉन क्या होता है T, एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो VIT इज इक्वल टू एनर्जी। तो आपको वोल्टेज पता होना चाहिए, करंट पता होना चाहिए, एज वेल एज क्या पता होना चाहिए, कितनी देर तक आप बल्ब को चलाते हैं ये भी। तो एनर्जी आप जब कैलकुलेट करते हैं, जैसे आपके अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिजली का बिल पे करना होता है तो आप एनर्जी कितने यूनिट में कितना होता है वो कैलकुलेट करेंगे ना, तो उसमें करंट को निकालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि भाई इतना वोल्टेज, हमारे घरों में वोल्टेज तो फिक्स है 220 वोल्ट, अब करंट कितना कंज्यूम होगी ये आपके घर के अप्लायंस बताते हैं, तो आपके घर के अप्लायंस कितना करंट को कंज्यूम करते हैं वो करंट को कैलकुलेट कर लीजिए और वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक अप्लायंस कितनी देर तक चलता है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा P = W/T, और W क्या होता है आपका VI × T, दैट इज एंड TT मल्टीप्लाई होता है तभी तो P = VI आता है। तो हम यहाँ पर पावर नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, हमें यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम हो जाएगा। पावर का फार्मूला क्या होता है VI और आपका T मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एनर्जी इज इक्वल टू VIT, क्या हो जाएगा बेटा VIT। आप इसमें वैल्यू करंट की पुट करिएगा, वोल्टेज पुट करिएगा, कितना देर तक क्या बल्ब चलाते उसको पुट करिएगा, एनर्जी निकल के आएगी, आप कितने किलो वाट आवर निकल के आता है उसके हिसाब से आप अपनी पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। ओके, दैट विल बी एब्सोल्युटली कैलकुलेटेड। तो चलिए हम लोग कुछ एक्सपर्ट पर डिस्कस करते हैं, वी हैव टू डिस्कस हेयर। तो अगर आप बात करें कि सर यहाँ पर तो एनर्जी की इफिशेंसी और किन किन पैरामीटर पर हमें ध्यान देना होगा, तो आप बात करें तो एक पैरामीटर है लाइफ स्पैन। क्या होता है लाइफ स्पैन? कितना ज़्यादा उसकी लाइफ चलती है, आप देख सकते हैं देयर इज़ अ चार्ट टू फॉर द लाइफ स्पैन। लाइट इमिटिंग डायोड की जो लाइफ होती है, यानी अगर हम ऑन करके रखते हैं और वो कंटिन्यूस चलता रहता है डेली में 8 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 12 घंटे, अगर इस तरीके से चलता रहता है तो जो एवरेज लाइफ है उसकी, जैसे ह्यूमन की इंडिया में एवरेज लाइफ 60 ईयर है, तो उसी तरीके से आपका जो लाइट इमिटिंग डायोड है उसका कितना है 50,000 आर, 50,000 घंटे। उसी के कंपैरिजन में अगर आप इनकंडेंसेंस लैंप को देखें, जो 100 वाट का पीला वाला बल्ब आपका होता था, 100 वाट को बल्ब देखें 1,200 घंटे।
अगर तीसरे वाले का उसके देखा तो CFL को, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप को अगर देखें तो उसका 8,000 घंटे। बताइए आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है, बोलिए बेटा, विच वन इज द बेस्ट? बोलिए बेटा, विच वन इज द बेस्ट? तीनों के हिसाब से किसकी लाइफ ज्यादा है? 50,000 घंटे। दैट्स वाई LED इज बेस्ट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लाइफ स्पैन, कि किसकी कितना ज्यादा लाइफ होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो LED हमारी बेस्ट है। अगर हम बात करें कि वाट कितना कंज्यूम करती है, तो जितना आपका 6 से लेकर 8 वाट कंज्यूम करता है उतना इनकंडेंसेंस लैम्प 60 वाट कंज्यूम करता है, उसके बराबर आपकी लाइट जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वो 13 से 15 के बीच में कंज्यूम करेगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो 6 से लेकर 8 वाट तक 60 वाट और 13 to 15 वाट ये सब इक्विवेलेंट है, जितनी लाइट इमिट करेगा ये उतना ये। तो यहां पर एक चीज देखें तो ग्रीन हाउस गैस इमिशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बल्ब 6 वाट का जितना इमिट करता है उसके कंपैरिजन में 60 वाट बहुत ज्यादा करता है, उसके कंपैरिजन 13 टू 50 वाट भी बहुत ज्यादा करता है। तो अगर आप बात करें दूसरे पर कि भाई किलो वाट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज कितना ज्यादा किलो वाट एक बल्ब एवरेज 30 इनकंडेसेंस बल्ब पर भी, तो ये कह रहे हैं कि 30 बल्ब का हम एवरेज निकाला इन्होंने, 30 बल्ब यूज किए और 30 बल्ब का एवरेज निकाला तो इन्होंने पाया 329 किलो वाट पर ईयर, यानी एक साल में 30 बल्ब ऑफ LED इन्होंने यूज किया जिसने एनर्जी को कंज्यूम किया वो कितना थी, 329 किलो वाट पर ईयर। लेकिन अगर आप बात करते हैं इनकंडेंसेंस लैम्प की तो इनकंडेंसेंस लैम्प 3285 किलो वाट आर पर ईयर। तो आप देख सकते हैं इट इज एब्सोल्यूटली, मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर देन द 10 टाइम्स, 10 गुना ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर जा रहा है इनकंडेंसेंस लैम्प 30 के उसके अकॉर्डिंग में। अब बात करते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, तो इसकी कितना है, 767 किलो वाट आवर पर ईयर। फिर भी अगर देखा जाए तो हमारा LED बहुत ही ज्यादा कम एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, इट इज कंज्यूमिंग वेरी लेस एनर्जी, इज इट ओके? तो अब बात करते हैं कि बल्ब का हमारे एनवायरमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, विच काइंड ऑफ इम्पैक्ट इज अफेक्टेड टू अवर इन्वायरमेंट ऑफ द बल्ब। चलिए देखिए, कंटेन द टॉक्सिक मरकरी, तो अगर आप बात करते हैं कि कंटेन द टॉक्सिक मरकरी का मतलब ये है कि वो कितना ज्यादा मरकरी गैस को, टॉक्सिसिटी को इन्वायरमेंट में रखता है। जैसे ऐसे समझिएगा, आर्गन गैस हो, हीलियम हो, कोई भी गैस हो, अगर उसको किसमें भरा गया, बल्ब के अंदर डाला गया, जैसे आप जानते हैं कि इसमें हीलियम आर्गन किस तरह का होता था, एल्बर्ट अड्डा इज सेइंग दैट प्लीज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन द CFL एंड LED। CFL इज द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प बेटा, एंड LED इज द लाइट एमिटिंग डायोड। CFL के अंदर गैस भरी होती है जिसके भी यहाँ पे हम गैस को आयोनाइज करने के बाद जिंक की कोडिंग होती है उस पर, तब वो लाइट को इमिट करता है जब इलेक्ट्रॉन जिंक की कोडिंग पर गिरना शुरू हो जाते हैं। लेकिन लाइट इमिटिंग डायोड में गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड या फास्फाइड आर्सेनाइड, इस तरीके का मटेरियल के कॉम्पोजिशन से हम लाइट को इमिट कराते हैं। वी विल डिस्कस फर्दर टू दिस वन। तो टॉक्सिसिटी की अगर बात करें, इफ़ यू सी दैट द टॉक्सिसिटी, तो आप देखें तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक रो दिखेगा आपको कि टॉक्सिसिटी क्या है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी बल्ब के अंदर गैस भरी गई और वो इन्वायरमेंट में फैलती जा रही है, क्योंकि बल्ब के लिए गैस को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद बल्ब के अंदर उसे फिल करेंगे, फिल करने के बाद उसे क्या करेंगे, इन घर में लगाएंगे। अब बल्ब मान लीजिए इनकंडेंसेंस क्या हो गया, खराब हो गया, तो क्या करते थे, लो ले जाते थे, उसे फेंक देते थे, वो फूट जाता था, और जैसे ही फूटता था उसके अंदर की गैस एनवायरनमेंट में जाएगी। तो एक दिन में लाखों बल्ब खराब हो रहे हैं पूरे शहर में, पूरे इंडिया में कितने बल्ब खराब हो रहे हैं, सब फोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में ऐसी गैस जो कि नियॉन, आर्गन और हीलियम जैसी गैसेस हैं, जो कि इनर्ट गैसेस की कैटेगरी में भी आ रही हैं, और ये कॉज ऑफ कैंसर गैसेस भी कहा जाता है।
कहा जाता है आर्गन या इनर्ट गैस को अगर कोई इनहील कर ले और उसके मॉलिक्यूल्स जाके लंग्स में चिपक जाएं, तो उन वो लंग कैंसर बना सकते हैं। इट मे द कॉज ऑफ द लंग कैंसर फॉर पीपल। ये चीज़ को कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इसको रिड्यूस करा गया और लाइट एमिटिंग डायोड को लगाया गया। तो अगर कहें कि लाइट एमिटिंग डायोड में क्या था, क्या मरकरी थी? नहीं। आपके CFL के अंदर कौन सी मरकरी होती है, कौन सी गैस होती है? दैट इज द मरकरी गैस। तो जो मरकरी गैस होती थी ये बड़ा नुकसान पहुंचाती थी ह्यूमन लाइफ को, क्योंकि ये इन्वायरमेंट जाएगी, अब बाहर घूम रही है, बारिश होगा तो वही कंटामिनेट होके वापस गिरेगी, क्योंकि आप बच नहीं सकते। या तो आप डायरेक्टली इनहील कर लोगे, या बारिश होगी तो आपके पेड़ पौधे सब्जियों पर गिरेंगे, सब्जी पर गिरेगा तो वो भी कंटामिनेट होगा, सब्जी में पानी एब्जॉर्ब होगा, वो बनेगा, आप फल सब्जी जो भी खाएंगे वो आपको फिर वापस आएगा, तो आप बच नहीं पाएंगे। अगर आप गैस को इन्वायरमेंट में एब्जॉर्ब कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं वापस घूम के आप तक पहुँचेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि भाई हमें इस तरह की प्रॉब्लम गैसेस में ना होने पाए, उसको भी रिड्यूस करना था, तो रिड्यूस किया गया। तो आप देखें LED में नहीं है, इनकंडेंसेंस लैंप में भी नहीं होती थी, क्योंकि इनकंडेंसेंस लैंप में आर्गन गैस भरी जाती थी, और अगर आप देखें तो इसमें मरकरी में मरकरी गैस को भरी जाती थी CFL में, तो रिप्लेस किया इसने। अगर हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन इन्वायरमेंट में कितना इम्पैक्टफुल होता है वो देखें आप, तो 451 पाउंड पर ईयर। पाउंड इज द अमाउंट बाय विच मेजर टू द वेट। ये पाउंड जो होता है वो वेट को मेजर करने के लिए यूज होता है, कि गैसेस की जो वेट को मेजर किया जाता है वो पाउंड में मेजर किया जाता है। तो अगर आप देखें 451 पाउंड पर ईयर ये लिया गया, 30 बल्ब का एवरेज लिया गया, एक बल्ब का नहीं है बेटा, प्लीज पे योर अटेंशन हियर। अगर आप यहां पर देखें तो आपको मिलेगा कि भाई ये जो चीज है ये 30 बल्ब के लिए कहा गया है, दिस वन इज द यूज फॉर द 30 बल्ब। तो 30 बल्ब का एवरेज निकाल के बताया गया कि 451 पाउंड पर ईयर, 4500 पाउंड पर ईयर ये इनकंडेंसेंस लैंप देता था, और CFL आपका 1051 पाउंड पर ईयर देता था। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में। वी आर एमिटिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट। अब प्रॉब्लम कितनी बड़ी है सोचिए, लाखों बल्ब हर महीने खराब होते हैं, करोड़ों बल्ब साल में खराब हो जाते हैं, जिनको नया प्रोडक्शन करके लाके उनको लगाया जाता है और पुराने बल्ब को डंप कर दिया जाता है। अब डंपिंग होगी तो उसका गैस हमारे कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉज फॉर दैट द हेल्थ ऑफ द लिविंग बींग, चाहे वो आपके प्लांट्स हों, चाहे वो आपके एनिमल्स हों, चाहे वो जो कुछ भी हो, दीज आर द रियली द इफेक्टिबल फॉर द इंजूरियस काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इन चीज़ों को रिड्यूस किया गया, और एक टेक्नोलॉजी जो LED है वो आपकी ग्रीन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। इट इज़ नॉट द रिप्रेजेंटिंग टू द ग्रीन हाउस गैसेस, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ए टेक्नोलॉजी विच इज अडॉप्टिंग टू ग्रीन एनर्जी। ओके, सो इम्पैक्ट इफेक्ट की बात करें तो सेंसिटिविटी टू द लो टेम्परेचर, तो आपको डिस्कस किया जा सकता है कि LED बल्ब में थोड़ी होती है, इनकंडेंसेंस लैंप में थोड़ा ज़्यादा होती है, कॉम्पैक्ट लैंप में भी थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। अगर बात करते हैं सेंसिटिविटी टू ह्यूमिडिटी, तो LED बल्ब के अंदर ह्यूमिडिटी क्या होती है? बिल्कुल LED बल्ब के अंदर ह्यूमिडिटी का फ़र्क नहीं पड़ता, और इनकंडेंसेंस लैंप में ह्यूमिडिटी का फ़र्क थोड़ा पड़ता है, और CFL के अंदर यानी कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप के अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब अगर बात करते हैं टर्न और इंटेंसली, तो जल्दी जैसे आप लोग देखते होंगे ठंडी के दिनों में जिनके घर में रॉड लगा होता था, वो घर में जाते थे और स्विच को ऑन किया, अब रूम में उजाला हो ही नहीं रहा है, किनारे बल्ब दोनों रॉड के किनारे किनारे जो एनोड और कैथोड होते हैं उनके किनारे में धीरे धीरे बिल्कुल पिंक कलर का ऑन है, और थोड़ी देर तक वो हिल डुल रहा है और ची 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 करके तब ऑन होता था। तो सिंपल सी एक बात ये समझ में आई कि भाई ये जो चीज़ें, अब मान लीजिए 2 मिनट का आपको 20 सेकंड का काम है, कमरे के अंदर जाना है, कोई ऑब्जेक्ट लेना है, बाहर आ जाना है, अब ऑन करके आप वेट कर रहे हो कि भैया बल्ब चले तो हम उसको उठाएं और बाहर लेके जाएं, तो ये चीज़ें जो होती थी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो टर्न ऑन इंटेंसिटी, जैसे इनकंडेंसेंस लैंप में क्या होता था, आपने स्विच ऑन किया फ़ौरन ऑन हो गया, लाइट एमिटिंग डायोड वाले बल्ब में यानी LED बल्ब में आपने ऑन किया फ़ौरन ऑन हो गया। लेकिन अगर आप बात करें कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप की, CFL की, तो ये थोड़ा सा टाइम ले जाता है। ठंडी के दिनों में अगर आप नोटिस करें तो जब आपके घर के बाहर या कमरे में लगे उससे ऑन कर देते हैं तो उसकी इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी बहुत कम होती थी, धीरे 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 ऑन होता था, फुल इंटेंसिटी से चलने में उससे कम 8 से 10 मिनट लग जाते थे।
तो यहां पर यही चीजें हैं, क्योंकि उसके अंदर गैस है, ठंडी की वजह से गैस क्या है भाई, मरकरी गैस है, मरकरी गैस ठंडी हो के जिंक पर पड़ी हुई है। अब आप उसे ऑन करोगे तो इलेक्ट्रॉन उसे हीटअप करेगा। फार्मूला क्या होता है बेटा हीट का, करेंट और हीट में इक्वेशन एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी होता है। ये कह रहे हैं कि टन वाला क्लियर नहीं है, टी ओ एन। शुभम व्हाट वुड हैव टू आस्क बेटा, फिर से पूछ सकते हैं आप। एग्जैक्टली मोनिका, कि बिकॉज सी एफ एल टेक टाइम टू वार्म अप, ये गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, उसके बाद फिर इंटेंसिटी देगा। तो यहाँ पर टर्न ऑन इंटेंसिटी की एक प्रॉब्लम ये रिजॉल्व की गई। ओके, अगर हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो बहुत, अब घर मान लीजिए आप शॉप पे गए, शॉप पे आपने कहा कि भैया हमको इनकंडेंसेंट लैंप दे दो, लेके चले आ रहे हैं, और अगर गलती से बल्ब छूट गया तो क्या होगा, दोबारा मिलेगा नहीं वो 100 वाट वाला इनकंडेंसेंट लैंप, वो उसको भूल जाओ, फिर वापस जाओ लेकर आओ उसे। तो यहाँ पर यह प्रॉब्लम होती थी, और वो नॉन रिसाइकलेबल होता है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी इनकंडेंसेंस लैम्प और सीएफएल के साथ वो ये थी, अगर एक बार वो डंप हो गया, नॉन रिसाइकलेबल होता, तो उसे हम रिसाइकिल कर ही नहीं पाते थे। लेकिन एलईडी में क्या है, अब बॉडी खराब हो गई है, आप ड्राइवर चेंज कर दो, मान लीजिए बॉडी बॉडी तो सही होगी, कोई एक पर्टिकुलर कंपोनेंट खराब हुआ, उस कंपोनेंट को रिप्लेस कर दो, पूरा बल्ब सही फिर से यूज करिए। तो रिसाइकलिंग रिपेयरिंग ये एलईडी बल्ब में पूरी तरीके से एक पॉसिबिलिटीज आई, ना कि इनकंडेंसेंस लैम्प में, सीएफएल लैम्प में। तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई। ओके, वी शुड हैव टू प्रोसीड। फेल्योर मोड की अगर बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट द फेल्योर मोड, तो फेल्योर मोड में यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती थी कि भाई टिपिकल यानी कि किसी भी अलग अलग तरीके से वो फेल्योर मोड उसका ज़्यादा था, इसका कम था। तो ये सारी चीज़ें आप देखें तो फेल्योर मोड की डिस्कस करते हैं। लाइट आउटपुट, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, लाइट आउटपुट में ल्यूमिनेंस, ल्यूमिनेंस का मतलब जैसे कैंडिला, किसी भी लाइट को मेजर करने के जो ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का जो यूनिट होती है वो कैंडिला होता है। जैसे लेंथ को मेजर करना मीटर है, वॉल्यूम को मेजर करना है लीटर है, टेम्परेचर को मेजर करना है डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, रैंकाइन और केल्विन, ये अलग अलग। उसी तरीके से लाइट की कितनी इंटेंसिटी है उसे ल्यूमिनस में हम लोग कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसे यूज़ किया था कैंडिला में। किसमें यूज़ किया था बेटा, वी आर जस्ट गोइंग टू से दैट कि किसी भी यूनिट को कैंडिला में, क्योंकि बहुत पुराने टाइम में कितनी कैंडल को जलाने के बाद कितनी लाइट इमिट होती है उसी के हिसाब से यूनिट को कैलकुलेट करके बताया जाता था, इतने कैंडिला यहाँ पर लाइट होगी। ओके, तो आप सिंपली कह सकते हैं लाइट इमिटिंग डायोड 4 to 5 watt, यहाँ 50 watt 9 to 51। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिएगा कि जितना ज़्यादा ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपको चाहिए उसी के रेशियो में आपको वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी, जितना ज़्यादा चाहिए आपको। एग्जैक्टली एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। उद्देश्य यू आर सेइंग दैट व्हाट इज द जेरिंग एंड बम्पिंग। जेरिंग इज अ कंडीशन वेयर द लाइट जस्ट फ्लक्चुएट। कैसे, आदमी ऑन किया ची 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 कर रहा है और लाइट फ्लैशिंग हो रही है। और बम्पिंग क्या होता है, जो क्या होता है लाइट फ्लैश करता रहता है। आप लोग देखते होंगे जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं, अब उसमें क्या हो फ्लैशिंग चले, जैसे फोटो क्लिक हो रही हैं, उसी तरीके फ्लैश से क्या करता है, फ्लैशिंग करता रहता है। तो दिस इज द बम्पिंग, और जेरिंग का मतलब ची किया रुक गया, ची किया फिर रुक गया। तो ये जो ची ची की जैसे आवाज़ें आती हैं और उसमें ऐसा लगता है कि लाइट ऑफ होना चाहिए लेकिन हो नहीं पा रही, जैसे शॉर्ट सर्किट वाली कंडीशन हुई, तो उसे जेरिंग एंड बम्पिंग होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा उद्देश्य। ओके, सो स्टूडेंट आर सेइंग दैट सर नॉट विजिबल राइट साइड। चलिए विजिबल कर देते हैं। तो क्या मैं अपनी फोटो हटा दूं क्या बेटा, मैं हट जाऊं, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूं बहुत ज्यादा ना, तो काम करते हैं हम हट जाते हैं यहां से। चलिए जो जो राइट साइड में था वो देख लीजिएगा यहां पे। ओके, यू शुड हैव सूथ सी देयर। चलिए देखिए यहां पर देख लीजिएगा जो राइट साइड में था, नोट कर लीजिएगा। अब क्या करें, तो यहां पर देख सकते हैं। ओके ओके, शुड यू प्रोसीड बेटा। ओके, और आप लोग चैनल पे टेक्निकल चीज़ों को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज़रूर, ताकि नेक्स्ट टाइम पे बेटा जब सबको नोटिफिकेशन भेजना पड़ता है, बहुत हेक्टिक प्रॉब्लम होती है यार। सिंपली क्या होता है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जब कभी भी कुछ भी हम नोटिफाई करेंगे, कोई भी लेक्चर शेड्यूल करेंगे, कोई भी वर्कशॉप शेड्यूल करेंगे, आपके पास सीधे नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, बिंदास आप लोग उस पे आ जाएं। तो मान लीजिए हमारे माइंड ऑफ स्लिप ऑफ माइंड हो जाए, हम भूल जाएं, तो आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए थी, वो पहुंच ही ना पाए, तो आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए क्या है, सिंपली आप क्या करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें यार, सिंपली। ओके, चलिए देखिए
अब हम बात करते हैं कि ड्राइवर की, व्हाट वी हैव टू राइट, व्हाट वी हैव टू स्टडी। तो यहाँ पर वी हैव टू डिस्कस अबाउट द ड्राइवर, तो ड्राइवर बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, जिन लोगों ने कभी एलईडी बल्ब ओपन किया होगा उनको इस तरीके का कुछ चीज़ मिला होगा, जैसे ये देखिए दिस वन। अगर आप देखें तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, दिस वन इज द ड्राइवर, इसे ड्राइवर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ड्राइवर। ओके, तो यहां पर इसे क्या बोलते हैं, ड्राइवर, इट इज द ड्राइवर। अब ड्राइवर दो तरीके के होते हैं बेटा। अच्छा, कितने लोग इसमें से कंपोनेंट पहचान पा रहे हैं, जल्दी से हमें बताइए इसमें क्या क्या लगा हुआ है, इस ड्राइवर में क्या क्या लगा हुआ है बताइए बेटा, फिर हम डिस्क्राइब करना शुरू करते हैं। अगर आप जो इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में क्या क्या लगा हुआ है देखते हैं। सबसे पहले कौन क्या बताते हैं, इसमें क्या क्या लगा हुआ है बेटा, जल्दी बताइए, ड्राइवर क्या कौन कौन सा लगा हुआ है। रेक्टिफायर, ओके, और कौन बता रहे हैं, कैपेसिटर, सेरेमिक कैपेसिटर, कहाँ सेरेमिक कैपेसिटर दिख रहा है भाई, फर्जी बाल बोल रहे हो, क्या सेरेमिक कैपेसिटर है ही नहीं इसमें, बताइए जल्दी से कहाँ है। कैपेसिटर्स, कैपेसिटर कौन से, कैपेसिटर की तीन कैटेगरी होती है, पॉलिस्टर कैपेसिटर, शाबाश, बहुत से लोगों ने, हाँ बिल्कुल, कैपेसिटर आपको दिख रहा होगा, पॉलिस्टर कैपेसिटर, जो ये तीन लगे हुए ना, ये तीन जो थोड़ा जेली टाइप के दिख रहे होंगे आप लोगों को, तो ये जो जेली टाइप के दिख रहे हैं ये कैपेसिटर आपके पॉलिस्टर कैपेसिटर है। ये वाले जो कैपेसिटर हैं आपके यहाँ पर, ये जो बड़ा वाला लगा हुआ सिलेंड्रिकल, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये छोटा वाला जो लगा हुआ है कैपेसिटर, वो भी क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। ये क्या है आपका, ट्रांसफार्मर। ये क्या है, रजिस्टर। और ये है इंडक्टर, इंडक्टर यूज करते हैं एज अ चोक, हियर वी आर यूजिंग द इंडक्टर। बिल्कुल निकेतन ने सही कहा, तीन कैपेसिटर है, रजिस्टर है, स्मॉल कॉइल है, कंडक्टर एंड रेक्टिफायर है, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, रजिस्टर। बहुत सारे लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। आई होप आप, हमें आपसे इसी तरीके की इंस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है कि भाई आपको पता चलता रहे कि हमें, हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हमें याद होना चाहिए। ओके, सो वी शुड प्रोसीड बेटा। अगर आप बात करें तो एलईडी बल्ब के कुछ पार्ट होते हैं, जैसे ऑप्टिक्स, एलईडी मॉड्यूल, थर्मल ट्रांसफर पैड, हीट सिंक, एलईडी ड्राइवर एंड बेस इंक्लूडिंग सॉकेट। नोट डाउन कर सकते हैं आप, इसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि एलईडी के पार्ट्स होते हैं, देयर आर द पार्ट्स। पहला क्या होगा, ऑप्टिक्स, जहां से लाइट को हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे। दूसरा पार्ट होगा एलईडी मॉड्यूल, जैसे ये वाला मॉड्यूल आप बात करें, दिस वन इज द एलईडी मॉड्यूल, जो कि पीसीबी पर, हमारी मेटल कोटेड पीसीबी पर होती है। उसके बाद होता थर्मल ट्रांसफर पैड, जिसे हीट सिंक कहते हैं, इट इज द थर्मल ट्रांसफर पैड। ये वाला अगर देखें आप, दिस वन इज द थर्मल ट्रांसफर पैड। ओके, ये वाला क्या होता है, थर्मल ट्रांसफर पैड। उसके बाद आप देखेंगे तो यहां पर मेटल के साथ कोटेड उसकी बॉडी होती है। अंदर देखिए जरा, इसमें क्या दिख रहा है आपको, मेटल दिख रहा है, तो मेटल की कोटिंग है बेटा इसके ऊपर, देयर इज अ मेटल कोटिंग। मेटल कोटिंग के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके ऊपर प्लास्टिक की, यानी क्रिस्टल की इसकी बॉडी है, तो मेटल कोटेड क्रिस्टल बॉडी विल कॉल्ड एज द हाउसिंग। व्हाट इट इज कॉल्ड एज बेटा, अगर हम कहें मेटल कोटेड क्रिस्टल बॉडी, जिसका बल्ब का पूरा स्ट्रक्चर फिट होता है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे, दैट विल कॉल्ड एज हाउसिंग। क्या बोलेंगे, हाउसिंग। ओके, उसके बाद कहते हैं एलईडी ड्राइवर। तो आपने देख लिया, दिस वन इज द एलईडी ड्राइवर, तो ये हो जाता है आपका एलईडी ड्राइवर। बेस इंक्लूडिंग सॉकेट, तो कह सकते हैं दिस वन इज द बी टू टू कैप, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज द बी टू टू कैप बेटा। ओके, नाउ वी शुड हैव टू प्रोसीड नेक्स्ट। अगर हम बात करते हैं फीचर्स की, व्हाट वी हैव टू से दैट फीचर्स, तो अगर बात करें 120 वोल्ट के भी आते हैं, 230 वोल्ट के भी आते हैं। आप लोग जानते होंगे कि अमेरिका में, और जो यूरोप कंट्रीज हैं, स्पेशली डेवलप कंट्रीज हैं, वहाँ पर जो वोल्टेज को यूज़ करते हैं वो 112, जिसे 120 वोल्ट भी कह सकते हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पर 230 वोल्ट का यूज़ करते हैं हम लोग। इनके अंदर क्या क्या होते हैं,
कैपेबिलिटी विद स्टैंड ट्रैक डिम एक्टिव होल्डिंग करंट फ्यूर, ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा कि एक फीचर क्या होता है ड्रायोड का। तो डायोड के अगर हम एक ड्राइवर की फीचर बात करें तो क्या है, 120 वोल्ट एंड 230 वोल्ट इनपुट डिज़ाइन होता है, ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि 120 वोल्ट पे भी चल जाए और 230 वोल्ट पे भी चल जाएगा। ये बात समझने वाली है कि इस ड्राइवर को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि आपका जो एलईडी बल्ब है वो अगर इंडिया में चलाओ या अमेरिका में चलाइए, वो 60 हर्ट्ज़ पे चले और चाहे 50 हर्ट्ज़ पे चले, चाहे वो 120 वोल्ट पे चले चाहे 230 वोल्ट पे चले, दोनों तरीके से क्या होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। अब दूसरी बात क्या होती है, क्या करेंगे, क्या कहेंगे, टाइटली रेगुलेटेड एलईडी करंट। अब देखिए यहां पर अगर आप देखें, इफ यू वांट टू सी हियर, यहां पर आपको करंट, यहां पर आईसीज दिखेंगी। तो एक आईसी होती है जो रेक्टिफायर आईसी कहलाती है और एक आईसी होती है जो करंट रेगुलेटर आईसी कहलाती है। ध्यान रखिएगा एलईडी का ग्लो होना ये करंट पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, तो करंट डिपेंडेंट कंपोनेंट जब आप यूज़ करते हैं तो आपको करंट की रेगुलेशन का ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलेशन का मतलब कांस्टेंट बनाए रखें हम, कांस्टेंट जब वो बनी रहेगी, ज़्यादा वैल्यू का फ्लैक्चुएशन नहीं होगा तो एलईडी हमारी डैमेज भी नहीं होगी, ख़राब भी नहीं होगी। जब ख़राब नहीं होगी तो वो आसानी से आप क्या कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, उसकी इल्यूमिनेट इंटेंसिटी रिड्यूस नहीं होगी। कंपेटेबल विल बी स्टैंडर्ड ट्रैक डिमर, तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के कंपेटेबल होती है, ट्रैक डिमर के साथ डिम कर सकते हैं आप इसे। एक्टिव होल्डिंग करंट फीचर्स, मतलब कि आपको कह सकते हैं कि एक्टिंग जो होल्डिंग करंट फीचर्स का ये है कि किस तरीके से आपको करंट को कांस्टेंट बनाए रखना है, वो उस करंट पर होल्डेड रहे और अपने आप को ग्लो कराती रहे। हाई इफिशियंसी, मतलब अगर इफिशियंसी एनर्जी के फॉर्म में कहें, पावर के फॉर्म में कहें, हीट के फॉर्म में कहें, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कहें, ये जितनी भी तरीके की चीज़ें हैं उसमें मोस्ट इफिशियंट हम लोग यूज़ करते हैं। तो मेंटेन द ड्यूरिंग डिमिंग, तो यहाँ पर मेंटेन ड्यूरिंग डिमिंग मतलब ये है कि जब आपको धीमा करना हो, तेज़ करना हो, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, उतने पर ही मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेगुलेटेड भी होती हैं, डिम करके आप रख दीजिए तो ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी थी। इनकंडेंसेंस लैंप में आप डिम करते तो बहुत ज़्यादा लाइट डिम हो जाती थी, लेकिन इसमें आप जितना चाहे उतना बहुत अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं एलईडी के ड्राइवर्स के साथ। अब बट ड्राइवर दो तरीके के होते हैं बेटा, पे अटेंशन हियर प्लीज़, ड्राइवर्स आर फाउंड टू टाइप। यहीं पर बिजनेस का पॉइंट आता है, सुनिएगा ध्यान से। जब आप जाते हैं मार्केट में परचेस करने के लिए तो जो आपका होलसेलर होता है वो आपसे पूछेगा, कहेगा कि कौन सा ड्राइवर लेना चाहेंगे, तो आप आपको अगर पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी, वो अपने हिसाब से भी दे देगा आपको जिस पे उसको मार्जिन होगी। देखिए यहाँ पर हम आपको एक सिंपली बता रहे हैं, डीमिंग का मतलब होता है बेटा हाउ कुड यू कंट्रोल। ज्योति सिंह आई एम सेइंग दैट कि व्हाट इज ट्रैक डिमा, ओके वन सेकेंड, अभिषेक सिंह इज सेड दैट व्हाट इज द ट्रैक डिमा। ट्रैक डिमर इज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे आप एलईडी को कनेक्ट करा दीजिए और वहाँ पर रिमोट से क्या कर सकते हैं, उसको डिम कर सकते हैं। ट्रैक डिमर का एक मॉड्यूल होता है जिसे आप एलईडी बल्ब के साथ अटैच कर दीजिए और रिमोट से आप उसे क्या कर सकते हैं, एलईडी बल्ब को डिम कर सकते हैं। जैसे आपने एक होल्डर में लगा दिया, अब होल्डर में लगाए हो, अब आप क्या है कि मान लीजिए आप सोने जा रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि आप मूवी देखने जा रहे हैं या कुछ भी हो, तो आपको कम लाइट की ज़रूरत होगी वहाँ पर। आप चाहते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी कम हो जाए, क्योंकि अंधेरा कर देते हैं तो लोग डरने लगते हैं और बहुत ज़्यादा लाइट होती तो नींद नहीं आती। तो यहाँ पर एक मॉड्यूल होता है जिसे ट्रैक डिमर कहते हैं, उसे यूज़ करके हम लोग लाइट की इंटेंसिटी को रिड्यूस कर पाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रैक डिमर। एग्जैक्टली ही सेइंग दैट ट्रैक डिमर कंट्रोल UP63 गैंग, ये कौन है, ही सेइंग दैट ट्रैक डिमर कंट्रोल एज हाई स्पीड स्विचेज आर यूज फॉर द कंट्रोल द ऑडिशन इफेक्टिव। बिल्कुल बिल्कुल सही, इन्होंने कहा, वेरी गुड, शाबाश। तो आप लोग भी आपस में डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग टू दिस वन। ओके, तो आप बात करते हैं कि यहाँ पर आगे बढ़ते थोड़ा सा हम लोग, तो जब आप जाएंगे मार्केट में तो आप कहेंगे कि हमें ड्राइवर दे दीजिए, तो वो पूछेंगे कौन सा ड्राइवर, हाई पास या लो पास। तो याद रखिएगा यहाँ पर दोनों तरीके के ड्राइवर होते हैं, विच वन इज़ द हाई पास, विच वन इज़ द लो पास। तो उस हाई पास लो पास को समझ दिया जाए, फिर हम आपको बताते हैं कौन सा बेस्ट होगा। चलिए आप देखिएगा यहाँ पर, तो हाई पास फिल्टर का जो एक तरीका होता है, फिल्टर का मतलब क्या है भाई, कभी आप डीसी को रोक के एसी बढ़ा देते हो, कभी एसी को रोक कर डीसी बढ़ा देते हो, दोनों में डिफरेंस किस बात का है, फ्रीक्वेंसी का। डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बेटा, 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़। तो अगर कैलकुलेट करो आप फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, तो क्या होता था, एफ इज एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी होता है कि नहीं होता बेटा। यहाँ पर आप देखें
तो जिस तरीके से हम लोग ड्राइवर को डिजाइन करते हैं, जैसे फिल्टर डिजाइन एक अलग कॉन्सेप्ट ही होता है। एफ सी इज ईयर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बेटा, व्हाट इज दैट? एफ सी इज द कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, जिस पर आप कह सकते हैं कि कट ऑफ क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी पर हम लोग सेट कर देते हैं, उसके ऊपर की फ्रिक्वेंसी की करंट को पास करना है या उसके नीचे की फ्रिक्वेंसी करंट को पास करना है, इस चीज के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वी से दैट वी हैव टू यूज दैट फिल्टर। हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा, वी हैव टू यूज फिल्टर। ओके, तो यहां पर अगर आप देखें तो फिल्टर दो तरीके के यूज करेंगे, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर वो फिल्टर होते हैं जो 50 या 60 हर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी को क्या करें, क्या कर दें बेटा, हाई पास फिल्टर, यानी कि वो पास कर दें, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी को एटेन्यूएट कर दें। लो पास फिल्टर कहते हैं कि अगर हमने एक फ्रीक्वेंसी तय कर दी, उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी को पास करेंगे, उसके हाई उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी को एटेन्यूएट कर देंगे। तो इसका फॉर्मूला अगर आप देखें, इफ यू सी देयर द फॉर्मूला फॉर दिस वन, तो एफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। क्यों? क्योंकि हम लोग आर और सी का दोनों को कंपोजिशन बनाते हैं। तो एफ सी इज द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ सी इज इक्वल टू 1/2 पाई आर सी। इज इट बेटा, आप लोग ये जानते होंगे फॉर्मूला। तो अब यहां पर R की वैल्यू जो भी हो रखिए, C की वैल्यू जो भी है वो पुट करिए, कैलकुलेट करेंगे, कोई ना कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी, उससे आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। अब बात ये कहते हैं कि सिंपली DC, चलिए अच्छा DC के लिए अगर आप यूज करें, तो XC निकालिए जरा, DC के लिए कितना होगा, कितने लोग बताएंगे XC फॉर DC? फॉर्मूला हम बता देते हैं, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC। फार्मूला हम बता रहे हैं बेटा, देख लीजिएगा आप लोग, चलिए हम पेपर में भी लिख देते हैं फार्मूला और आप लोग देखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि फार्मूला की, देखिए कितने लोग निकाल के बताते हैं फार्मूला XC, तो हम कहेंगे XC इज इक्वल टू 1/2 पाई FC XC फॉर DC कितना होगा बताइए बेटा, 1/2 × 3.14 × फ्रीक्वेंसी कितना होती है प्रिया शर्मा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा बेटा? प्रिया शर्मा यू डिड रॉन्ग आंसर, आकाश कुशवाहा यू ऑल्सो डिड रॉन्ग आंसर बेटा, एंड पूजा मिश्रा यू डिड राइट आंसर, यू अप्लाइड राइट आंसर। देखिए कितने लोग बता रहे हैं, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इन्फिनिटी, पूजा मिश्रा, शुभम पाल, एज वेल एज अजय कुमार, मंजिली मौर्य, इन्फिनिटी, सचिन मिश्रा, अजय कुमार, ये सभी लोग क्या कह रहे हैं, आंसर बिल्कुल सही दिया इन्होंने, इन्फिनिटी होगा। अरे देखो भाई फ्रीक्वेंसी कितनी होती है इसकी, फ्रीक्वेंसी फॉर DC इज इक्वल टू होती है 0 हर्ट्स। अब यहाँ पर रखेंगे 0 × कैपेसिटर, कुछ भी हो तो 1/ क्या हो जाएगा, 0, क्या होगा, इन्फिनिटी। तो अगर आप बात कहें तो XC इज इक्वल टू क्या आया, इन्फिनिटी। तो आप बताइए क्या कोई करंट इन्फिनिटी कैपेसिटेंस को पार करके निकल जाएगी क्या, क्या कोई करंट इन्फिनिटी कैपेसिटेंस को पार करके निकल जाएगी क्या बेटा? नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली, बहुत से लोगों ने आंसर दिया, विजय गुप्ता एज वेल सृष्टि गुप्ता, इरफान, मिर्जा मोहम्मद, अभिषेक, वर्षा, सिमरन, संगीत, सभी लोगों ने मोस्टली, हाँ सभी लोग दिए हैं भाई, सभी लोग, वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पर अगर आप बात करें कि ये किस तरीके से, तो इन्फिनिटी कैपेसिटेंस क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो करंट को पास नहीं करा पाएगा। तो एक्टिव हाई पास फिल्टर की बात करें, R इज इक्वल टू, देखिए कंडीशन लिख लीजिएगा बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, द कंडीशन फॉर द एक्टिव हाई पास फिल्टर इज इक्वल टू R इज इक्वल टू XC, R इज इक्वल टू 1/ωC, R इज इक्वल टू 1/2 πfC एंड FC इज इक्वल टू 1/2 πRC। तो इसी तरीके तो हम लोग कैलकुलेट करते थे क्यों बेटा? तो यहाँ पर ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, जो स्कीमेटिक आप देख रहे हैं कैपेसिटर और इसके बीच में, दिस वन इज द कैपेसिटर फॉर यूज फॉर द, इट इज यूज फॉर द हाई पास फिल्टर। तो आउटपुट कहाँ से मिलेगा ये आप लोग देख सकते हैं। एग्जैक्टली शीलू गौतम, DC ब्लॉक्स द कैपेसिटर, एग्जैक्टली कैपेसिटर ब्लॉक्स द DC, है ना? तो कैपेसिटर DC क्या कर देता है बेटा, ब्लॉक कर देता है। नाउ वी शुड गो एम्फसाइज हियर, अगर आप देखें तो दीज आर द कर्व द प्रिजर्व्स हाई फ्रीक्वेंसी इज यूजफुल फॉर द एज डिटेक्शन। तो आप देखें यहाँ पर किस तरीके से फ्रीक्वेंसीज का रिलेशन होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकली कैलकुलेशन में नहीं जा रहे हैं बेटा। ओके,
तो यू कुड सी देयर, बहुत से लोगों को ये वाला कह रहे हैं सर ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है। देखिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, दिस वन एग्जैक्टली पीपल आर सेइंग दैट। तो यहाँ पर FC इज इक्वल टू 1/2 pi RC है ना, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग सिंपली, इसमें नोट करने वाली वैसी बहुत ज़्यादा वो जरूरत भी नहीं है। तो आप देखें आगे बढ़ें, तो यहाँ पर ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज का, उसके ट्रांसफर फंक्शन का, हाई पास फिल्टर का, जो एज डिटेक्शन और उसका जो बिहेवियर है, इन सब का वेव फॉर्म है। अब अगर हम बात करें लो पास फिल्टर की बेटा, इफ़ यू टॉक अबाउट द लो पास फिल्टर यू कुड फाइंड, जल्दी से ये टॉपिक खत्म करके फिर हम लोग LED बल्ब बनाना शुरू करते हैं बेटा, ठीक है? तो आप लोग बस थोड़ा सा पेशेंस रखें, थोड़ा सा थोड़ी देर जुड़े रहें, बस हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिकली आ जाएंगे इस पे, LED बल्ब बनाना शुरू कर देंगे। तो जो भी चीज़ें देखिए, एक इंजीनियरिंग का पैरामीटर ये नहीं होता कि आप बस आए और सीधे बल्ब बनाना शुरू कर दिए, मतलब ये लो मटेरियल बट जुट गए बल्ब बनाने में, ये चीज़ें थोड़ा सही नहीं होती हैं। आप पहले उस बल्ब के बारे में इतना कुछ जान लें कि कोई अगर कभी डिस्कस करें तो आप इंजीनियरिंग के एंगल से, इंजीनियरिंग के पैरामीटर से बल्ब के बारे में सब कुछ बता पाएं, आप उसके बारे में जान रहे हों। ये नहीं कि आपको ये पता हो ये वाले को यहाँ जोड़ दें, ये वाले को यहाँ जोड़ दें, इसको यहाँ जोड़ दें और लगा दें बल्ब चल जाएगा। अरे ये तो एक छोटे से बच्चे को भी बता दोगे वो भी कर लेगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये बेटा कि हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग की जो जो पैरामीटर्स यूज हुए हैं उनको एटलीस्ट आप जानें, जब उन चीज़ों को जान पाएंगे तभी आप उसको चेंज कर पाएंगे। जैसे आप कट ऑफ फ्रिक्वेंसी के अलग ऐसा, हम और अच्छा ड्राइवर बनाना चाहते हैं, हम और अच्छा डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो जब आपको ड्राइवर के बारे में पता नहीं होता तो डिज़ाइन क्या कर पाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको उसका फॉर्मूला, उसका मेथड, उसकी पैरामीटर, उसके कंपोनेंट, ये जब सब कुछ पता होगा, ईच एंड एवरीथिंग यू विल नो, देन यू विल एबल टू डिजाइन अ न्यू काइंड ऑफ ड्राइवर्स, एंड आफ्टर डिजाइनिंग द न्यू टाइप ऑफ ड्राइवर यू विल एबल टू ऑप्टिमाइज द एनर्जी, यू विल एबल टू ऑप्टिमाइज द पावर रेटिंग, ऑप्टिमाइज द करंट रिक्वायरमेंट, देन योर बल्ब विल बी मोर बेटर इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर एंड प्रीवियस टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मजदूरी लेवल का काम पे ले जाना नहीं है, हमें इंजीनियरिंग के पैरामीटर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर लो पास फिल्टर भी देखें आप लोग ज़रा, तो आप लोगों ने पढ़ रखा हो कि यहाँ पर ये लो पास फिल्टर को जो आप देख रहे होंगे गेन डायग्राम, तो यहाँ पर गेन फ्रिक्वेंसी डायग्राम जो आप लोग इतने डेसिबल में इतना फिर कट ऑफ रोल ऑफ रेट दिस वन, तो यहाँ पर एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इसके नीचे की फ्रिक्वेंसी को पास कराता है लो पास, यानी कि मान लीजिए हमने FC कर दिया तो FC के नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को पास करा देगा, FC के ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को एटेन्यूएट कर देगा, उसे ब्लॉक कर देगा, रोक देगा। सिंपल सी बात ये आती है। अब अगर हम बात करते हैं लो पास, इसमें सिंपली तो लो पास फिल्टर का भी आपको आइडिया होगा, दिस इज द पैरामीटर फॉर द लो पास फिल्टर, एंड नॉर्मलाइज कैसे होगा, कैसे कहाँ कैपेसिटर लगाएंगे। तो कैपेसिटर अगर पहले लगा के रजिस्टर पहले में लगाते हैं सोर्स के, तो वो क्या होता है आपका हाई पास होता है, लेकिन अगर रजिस्टर आपको सोर्स की सीरीज में और पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं तो वो क्या होगा, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग दैट विल बी द लो पास फिल्टर। ओके आई होप कि आपको लो पास तो बैंड विड्थ इज इक्वल टू FC, FC इज इक्वल टू 1/2 pi RC, इसमें भी वही फार्मूला होता है, बस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आ जाता है जिसकी वजह से तो आप यहां पर यूज देखते हैं इसका भी फार्मूला क्या होगा, R इज इक्वल टू XC, R इज इक्वल टू 1/2 pi ωc है ना, 2 pi FC, एंड FC इज इक्वल टू 1/2 pi RC। तो ये फार्मूला वही होता है, बस पोजीशन ऑफ द कैपेसिटर रजिस्टर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से हाई पास और लो पास फिल्टर का बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। तो सिंपली अगर आप बात करें कि किस तरीके से आप बल्ब का होगा, तो चलिए हम आपको कुछ पॉइंट बता देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बल्ब को बनाना शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम बल्ब बनाएंगे। और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, हम लोग बल्ब बना के टेस्ट भी करेंगे, और तीन तरीके के बल्ब बनाएंगे बेटा। पहला वन होगा, पहला जो आपका होगा वो होगा कैपेसिटर पॉलिस्टर के हिसाब से, और दूसरा जो आपका होगा वो क्या होगा आपका IC बेस्ड होगा, और तीसरा जो बल्ब होगा वो कौन सा होगा बेटा, द थर्ड बल्ब विल बी, थर्ड बल्ब विल बी व्हाट बेटा, बताइए आप लोग जल्दी से। तो चलिए जल्दी से आप कुछ कंपोनेंट लिख लीजिएगा बेटा फटाफट। नाउ यू शुड हैव टू राइट सम नेम ऑफ द कंपोनेंट। चलिए बल्ब के कुछ कंपोनेंट के नाम लिख लीजिए, क्योंकि अब हम लोग बनाना शुरू करने जा रहे हैं। तो हाउ टू मेक द बल्ब, क्यों बेटा? तो बल्ब बनाने के लिए जो आपको रिक्वायरमेंट होती है वो चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आप लिखिएगा द फर्स्ट वन रिक्वायरमेंट इज दिस वन। तो आप इसमें देखें तो क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही होंगी, अभी हम स्टूडेंट लेवल पे बता रहे हैं, जैसे ही हम लोग बल्ब बना के टेस्ट कर लिया जाएगा उसके बाद फिर हम बताते हैं कि जिसको बिजनेस करना है उसको क्या करना चाहिए, जिस जिस बंदे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेटअप लगाना है उसको किस किस तरह के सेटअप की जरूरत होगी। जैसे उसमें आपका हीट सिंक फिटिंग मशीन चाहिए होगी, पंचिंग मशीन चाहिए होगी,
तो इन मशीनों के नाम और इन मशीनों का को कैसे यूज़ करेंगे, कितने प्राइस की मिलती होगी, कितना आप इन्वेस्टमेंट करके निकालेंगे, ये अभी हम बताते हैं। लेकिन पहले आप इन तीनों तरीके के बल्ब को बना के देख लें, क्योंकि हमने बल्ब के बारे में पढ़ लिया, अब बल्ब को स्टडी करके हम लोग देख लेते हैं। ओके एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, एक दिख रहा होगा ड्राइवर, एक दिख रहा होगा आपको B22 कैप, हाउसिंग दिख रही होगी, यहाँ पर हीट सिंक दिख रहा होगा, सोल्डरिंग आयरन दिख रहा होगा, और कैपेसिटर, पॉलिस्टर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, एज वेल एज ग्लोब दिख रहा होगा। तो ये जितने भी तरीके कंपोनेंट हैं ये लिखना है। ये दो तरीके के बल्ब के हैं, तीसरा बल्ब अभी हम दिखा देते, तभी लाइव हम लोग बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिंपली क्या होगा कि एक जैसे बल्ब बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, B22 कैप लेंगे, B22 कैप में क्या करेंगे, हाउसिंग लगाएंगे, आपका कैपेसिटर होगा, ध्यान दीजिएगा बेटा क्या क्या कंपोनेंट हमें रिक्वायरमेंट होगी, राइट डाउन द नेम ऑफ द कंपोनेंट, B22 कैप, हाउसिंग वी रिक्वायर्ड, जिसे कहते हैं बल्ब प्लास्टिक हाउसिंग, उसके बाद हमें पॉलिस्टर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की जरूरत होगी, उसके बाद हमें जो चाहिए होगा कुछ वायर चाहिए होंगे, B22 कैप चाहिए होगा, इसे इसे बोलते हैं ग्लोब बेटा, क्या बोलते हैं बेटा, दिस वन इज द ग्लोब, इसे ग्लोब कहते हैं। अब यहाँ पर आपको चाहिए होगा तो इसका नाम लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज LED बल्ब फाइबर PCB विथ 5730 SMD LED 5730 SMD LED। नाउ वी शुड गो टू हियर। अब यहाँ पर कहेंगे बैक साइड ऑफ PCB, अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से होगी। अभी हम हार्डवेयर को दिखाते हैं, पहले सिंपली हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर फटाफट हार्डवेयर पे आ जाते हैं, अब बहुत देर नहीं लगाएंगे क्योंकि हार्डवेयर पे जल्दी से बना के आपको दिखाते हैं, टेस्ट करके दिखाते हैं, ठीक है। ओके, इंसर्ट कैपेसिटर एज शोन इन पिक्चर। तो ऐसे हमें लगाने होंगे कैपेसिटर, ऐसे लगाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से पीछे साइड में क्या कर देंगे, यहाँ पर भी आपको वायर लगा के सोल्डिंग कर देनी होगी इस तरीके से, उसके बाद आप यहाँ पर निकालेंगे इसको, फिर इसके साथ लगाएंगे बल्ब को, न्यूट्रल लाइन वहाँ पे होगा, उसके बाद यहाँ पे भी ऊपर सोल्डिंग कर देंगे, फिर इसको हम लोग फिट कर देंगे, फिट करने के बाद फिर इसके ऊपर हम लोग ग्लोब लगा देंगे, जब ग्लोब लगाने के बाद आपका Type 1 बल्ब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो दूसरे टाइप के जो हम लोग बल्ब लगाएंगे उसका उसका मटेरियल ये होगा, आपका जो मटेरियल है उसमें आपका फिल्टर है, जैसे जिसे कह सकते हैं कि ड्राइवर, ड्राइवर के साथ हीट सिंक के साथ जो माउंटेड आपकी मेटल कोटेड PCB होगी, एक ग्लोब होगा, मेटल कोटेड हाउसिंग होगी, B22 कैप होगा, हीट सिंक होगा, इन सबको यूज़ करेंगे। तो इन दोनों को लगाएंगे इसमें, आपका ये हीट सिंक मेटल कोर PCB होगा, यहाँ पर आपका हाउसिंग होगी मेटल के साथ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस वन विल बी व्हाट, हीट सिंक, आफ्टर दैट इज विल बी ग्लोब। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि किस तरीके से हम लोग इसके लगाएंगे वायर को, और किस तरीके से आप इसमें ग्लोब सेट कर देंगे, फिर यहाँ पर इसको फिट कर दिया जाएगा, फिट करने के बाद इसे हीट सिंक फिट करेंगे, हीट सिंक फिट करने के बाद वायर निकाल लेंगे, वायर निकालने के बाद हम लोग इसमें लगाएंगे LED को, LED लगाने के बाद इसे सोल्डिंग कर देंगे, सोल्डिंग करने के बाद बल्ब को कॉम्पैक्ट कर देंगे, और ये होगा आपका, इसे बोलते हैं पंचिंग मशीन। तो इसमें रख के हम लोग क्या कर देंगे, पंच कर देंगे, इस तरह रख के खींचेंगे और ये पंच हो जाएगा, पंच होने के बाद ये हो जाएगा तो ग्लोब इस पर लग जाएगा। तो चलिए जल्दी से हार्डवेयर बनाना शुरू करें बेटा हम लोग, कि कुछ और इसमें पूछना है या हम लोग हार्डवेयर बल्ब बनाना शुरू करें, तीनों बल्ब बना के जल्दी से टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा बल्ब चलता है नहीं चलता है, क्या है कैसे है ना, शुड वी प्रोसीड, क्यों बेटा बल्ब बनाना हम लोग शुरू करें, शुड वी प्रोसीड बेटा, क्यों बेटा बताइए आप लोग, शुड यू प्रोसीड, सर्किट डायग्राम वगैरह का थोड़ा डिस्क्रिप्शन अभी बाद में रखेंगे बेटा, क्योंकि अभी हम ये चाह रहे हैं कि सिंपली आप प्रैक्टिकली थोड़ा देख लें, फिर उसको डिस्कस करना होगा, उसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन में करना होगा, तो हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर लेंगे, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी शुड हैव टू स्टार्ट हियर, तो ठीक है। नाउ तो Type 1 बल्ब पहले बनाते हैं हम लोग, कौन सा बल्ब बनाएंगे, Type 1 बल्ब। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पर देखिएगा, आप आवाज़ सुनते रहिएगा मेरी और हार्डवेयर को देखते रहिएगा, ओके। तो जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग को यहाँ पर इसे रख लेना चाहिए, आपको वायर स्ट्रिपर की रिक्वायरमेंट होगी रख लेते हैं इसे, वी शुड हैव टू कीप दिस वन।
अब हमको रिक्वायरमेंट होगी कटर की, तो हम लोग कटर भी रख लेते हैं, वी हैव टू कैप दिस वन कटर हियर। सोल्डिंग आयरन की हमें ज़रूरत होगी, सोल्डिंग आयरन रख लेते हैं। सोल्डिंग वायर की ज़रूरत होगी तो सोल्डिंग वायर रख लेते हैं। और आप कहिए कि भाई किस तरीके से और भी चीज़ें हैं, तो सिंपल पहले हम टाइप वन बल्ब आपको बना के बताते हैं, ठीक है। शुड बी प्रोसीड बेटा, टाइप वन बल्ब हम लोग बना के देखा जाए कैसे बनाएंगे। एग्जैक्टली विजय गुप्ता इज सेइंग दैट कि हीटिंग और एलईडी प्लेट के बीच में पेस्ट होता है क्या? एग्जैक्टली बेटा, पेस्ट होता है उसमें ताकि हीट सिंक, वो चिपका दे उसको तो ज़्यादा बेटर हीट सिंकिंग होगी। ऑब्वियसली बात है, बीच में एयर गैप हो जाएगा तो ज़्यादा तेज़ी से हीट नहीं सिंक कर पाएगी, वो दोनों चिपके रहेंगे तो हीट सिंक होगी, उसको हम बताएंगे अभी, धीरे धीरे आप समझते जाइए। पहले सिंपल देखिए, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है इन कंपोनेंट को क्या कहेंगे, यू कुड सी। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट आप देखें, ओके बीइंग हॉट, तो चलिए तो आप लोग देखिएगा सबसे पहले ये क्या दिख रहा है आपको, व्हाट इज़ दिस। चलिए इसमें नाम पहचान के बताइए सभी लोग, हम यहाँ पर कंपोनेंट रख रहे हैं, आप नाम पहचान के बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। अभी आप लोगों ने इमेज देखी है और क्या क्या चीज़ें हैं जल्दी से हमें बताइए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर दीज थिंग्स। इन बल्ब को अभी हम साइड कर देते हैं, वी डोंट हैव रिक्वायरमेंट ऑफ दीज बल्ब, तो चलिए इसे साइड कर देते हैं। बताइए बेटा इनमें से क्या क्या कंपोनेंट हैं। एग्जैक्टली हीट सिंक कंपाउंड कहते हैं उसे, लेकिन एक पेस्ट होता है सिंपली। ओके तो यहां पर आप कहेंगे दिस वन इज द B22 कैप, इट्स अ ग्लोब, इट्स अ हाउसिंग, पॉलिस्टर कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, और ये क्या होगा आपका, दिस वन विल बी PCB। तो चलिए दिखाते हैं आपको किस तरीके से इसमें यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि LEDs का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से। चलिए मल्टीमीटर हम ऑन कर रहे हैं और मल्टीमीटर से थोड़ा सा देख रहे हैं कौन सा एनोड कौन सा कैथोड क्या चीज़ें होंगी, वेयर शुड बी। देखिए यहाँ पर इट कंज्यूमिंग अ लिटिल वोल्टेज, तो हमें ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर इन LEDs के थ्रू वी हैव टू स्टडी देयर। चलिए तो सिंपली हम कैसे करेंगे इसे, सिंपली हम लोगों को इसे बनाना शुरू कर देना चाहिए। देखिए सबसे पहला काम जो होगा वो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप इसको, ये जो आपको दिख रहा होगा दिस वन, यहाँ पर आप देखें तो एक कैपेसिटर का निशान ये है और ये है, जैसे C1 C2 लिखा हुआ है। तो इस कैपेसिटर में आप जब देखें सिंबल, तो सिंबल ऑफ द कैपेसिटर की अगर बात करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बेसिक कंपोनेंट वाली लेक्चर में की पढ़ाया है बेटा। तो जो लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की ज़रूरत हो तो प्लेलिस्ट में जाके वो बाद में पढ़ लेंगे। इसी चैनल पे बहुत सारे वीडियोस ऐसे पड़े हुए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक कंपोनेंट और इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन करता है, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चा फिर क्या हो जाएगा, बोर होने लगेगा, क्योंकि सर हम लोग पढ़ चुके हैं फिर वही चीज़ पढ़ रहे हैं, इससे हम बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ सिंपली ये पॉलिस्टर कैपेसिटर हमने लिया और यहाँ पे इसको फिट कर दिया दिस वन, तो ये हमने फिट कर दिया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लिया, देखिए यहाँ पर एक ये आपका दिख रहा होगा, एक तरफ स्मूथ होगा और एक तरफ इस तरह शेडेड होंगे, तो शेडेड रिप्रेजेंट करता है निगेटिव को, किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, शेड रिप्रेजेंट करता है निगेटिव को। तो इस तरीके से हम दोनों कैपेसिटर को लगा देंगे, इसको लगाने के बाद हमें इसको फोल्ड करना होगा, इस तरीके से हमने इसको मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद अब इसको ऐसे पुट कर दीजिए, देखें यहाँ पर दोनों मुड़ चुके हैं एंड दीज आर द फोल्डेड। अब हमें क्या लेना होगा बेटा, सोल्डरिंग वायर। अच्छा कोई जल्दी से हमें बताएं कि जो सोल्डरिंग वायर हम लोग यूज़ करते हैं, इस सोल्डरिंग वायर को किस मटेरियल कंपोजिशन से बनाया जाता है, विच काइंड ऑफ मटेरियल कंपोजिशन वी रिक्वायर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सोल्डरिंग वायर, प्लीज़ टेल मी। देखते हैं कौन जल्दी बताते हैं, सबसे पहले
बताइए जल्दी से, कौन से मटेरियल कॉम्पोजिशन से बनाएंगे, जल्दी बताइए, फिर फटाफट बनेगा, बहुत देर नहीं लगेगी। बताइए बेटा, इसको जो सोल्डिंग आयरन, आप सोल्डिंग वायर जो एल्यूमिनियम, नो बेटा नो, इट्स नॉट एन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो जल्दी गले गई। टंगस्टन, अजय कुमार पाल, नॉट टंगस्टन बेटा, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या सोल्डिंग वायर से कैसे, सोल्डिंग आयरन से कैसे वो गलेगा, एल्यूमिनियम। मनी सेइंग दैट द रंगा, रंगा इसको कहते हैं, बट विच काइंड ऑफ मटीरियल वी रिक्वायर्ड, एग्जैक्टली एग्जैक्टली ही डिड से दैट। अभिषेक सिंह इज सेइंग दैट SN यानी टिन एंड PB इज द लेड। शाबाश अभिषेक ने सबसे पहले आंसर दिया कि टिन एंड लेड के कॉम्पोजिशन, बिल्कुल। चंदन, चंदन ऑल्सो सेड दैट राइट आंसर, चंदन ने बिल्कुल सही आंसर दिया कि सर टिन एंड लेड से बनाएंगे। एंड सिलिकन, सालिहा खातून इज सेइंग द सिलिकन, नहीं बेटा 40% लेड अभिषेक सिंह एंड 60% टेन। शाबाश टीन एंड लेड, सभी लोगों ने, मोस्टली लोगों ने आंसर सही देना। कॉपर, सुजीत चौहान, कॉपर का बनाएंगे बेटा हैं, टीन एंड लेड एग्जैक्टली। आशुतोष ने भी आंसर सही दिया, हिमांशु ने भी आंसर सही दिया है लेड एंड टिन का। चलिए बनाते हैं, तो ये रहा आपका सोल्डिंग वायर एंड और ये रहा सोल्डिंग आयरन, एग्जैक्टली। चलिए देखिए कैसे सोल्डिंग करेंगे, ध्यान रखिएगा सोल्डिंग मोस्टली लोग कर लेते होंगे। ओके, तो देखिए यहां पर ये पॉइंट हम सोल्ड कर देंगे इसको, दिस पॉइंट मस्ट बी सोल्ड, और उसके बाद ये पॉइंट हम लोग सोल्ड कर देंगे, दिस पॉइंट मस्ट बी सोल्ड। ओके, तो ये दोनों पॉइंट को आप क्या कर देंगे, सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद बेटा इस पॉइंट को भी सोल्ड करना होगा, व्हाट वी हैव टू डू, हमने दो पॉइंट को सोल्ड कर दिए, अब उसके बाद ओके अब देखिएगा यहाँ पर, इसके बाद हमें इन दोनों पॉइंट को सोल्ड करना होगा। इफ़ यू सोल्ड हियर नाउ एंड यू विल सोल्ड हियर नाउ, तो ये हम दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे बेटा, सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद दोनों पॉइंट सोल्ड, देखिए चार पॉइंट हैं इसमें बेटा, 1 2 3 4, तो दो पॉलिस्टर कैपेसिटर के लिए और दो किसके लिए बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए, तो हमने दोनों को कर दिया। इतना करने के बाद आप कटर लीजिएगा और कटर लेने के बाद यहाँ पर कट कर दीजिएगा, इस तरीके से इसे कट कर दीजिए ताकि कहीं वो मुड़ उड़ के कहीं शॉर्टिंग ना कर दे, तो कट कर दीजिए, दैट विल बी कट इट आउट। तो यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों को क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब इन दोनों में देखेंगे आप तो ये दिस वन इज द कटेड फॉर्म, तो यहाँ पर आप देखें तो पॉलिस्टर कैपेसिटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दोनों इसके साथ क्या हो गए बेटा, फिक्स्ड हो गए हैं, दीज टू बोथ टूज कैपेसिटर आर फिक्स्ड। अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपली इसकी बॉडी चाहिए होगी हम लोग को, ये वाली। इफ़ यू टॉक अबाउट दिस बॉडी, तो ये बॉडी में मेटल नहीं है, अगर इस वाली बॉडी को देखें तो इसमें मेटल की कोटिंग है बेटा, यहाँ पर आप देखें, देखिए अंदर मेटल लगा हुआ है, इसमें मेटल नहीं है, और इस वाली में देखें तो इसमें भी मेटल नहीं है, तो जिसमें मेटल की कोटिंग होती है वो ज़्यादा अच्छा हीट सिंक होता है, ना कि नॉन मेटेलिक। तो इन चीज़ों को अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है आपको। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली इसको B22 कैप को इसके साथ क्या कर देंगे, होल्ड कर देंगे, ठीक है। इस B22 कैप को यहाँ पर लगा दिया जाएगा, इतना लगाने के बाद ये जो वायर होगी, इन दोनों वायर्स को क्या करेंगे, हमें सिंपली पंच करने के लिए हम लोग को मशीन की भी ज़रूरत होगी, वी रिक्वायर द पंचिंग मशीन।
ओके, तो यहाँ पर B22 कैप को अभी ऐसे टेम्प्रेरी लगा देते हैं। अब इसके लगाने के बाद पंचिंग मशीन में हम लगा के पंच भी कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल आप देखें तो ये आपका देखें न्यूट्रल लाइन लिखा हुआ है, तो न्यूट्रल लाइन लाइन यानी इसमें कोई सा भी लगा दीजिए, क्योंकि ये तो AC से चलता है तो हमें कोई पॉजिटिव निगेटिव की टेंशन नहीं होती है। इसके बाद यहाँ पर इस वाले वायर को सिंपली आप क्या करेंगे, यहाँ पर यू शुड हैव टू यूज़ देयर, और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे हम लोग, सोल्डिंग कर देंगे। क्यों बेटा, तो यहाँ पर जब सोल्डिंग आप कर देंगे तो ये वायर इसके साथ क्या हो जाएगी, लिंक्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको रखें और इस तरीके से सोल्डिंग को गर्म करके यहाँ पर अटैच कर दीजिए। ओके, नाउ इट इज सोल्ड। अब यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे तो यहाँ पर इसको भी क्या कर दीजिए, सोल्ड कर दीजिए। ओके, तो ये हो गया सोल्ड। तो ये दोनों पॉइंट क्या हो गए बेटा, सोल्ड हो गए। अब दोनों पॉइंट के सोल्डिंग के बाद दोनों पॉइंट के जो एक्स्ट्रा वायर निकली हुई हैं उसे भी हम लोग क्या कर देंगे बेटा, कट कर देंगे। नाउ यू हैव टू कट हियर। कट करने के बाद इसको इसकी बॉडी में ऐसे यहाँ पर देखिएगा स्लॉट बने होते हैं। देखिए एक स्लॉट ये है और एक स्लॉट ये है, इन दोनों स्लॉट में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस तरीके से लगाएंगे और इस वाले स्लॉट में इसको रखने के बाद इस तरीके से हल्का सा प्रेशर डालेंगे जो स्लॉट में फिक्स हो जाएगा। ये स्लॉट में फिक्स होगा, अब निकलेगा नहीं जल्दी है तो आप इसको घुमा के निकालना पड़ेगा। तो ये स्लॉट में फिक्स हो गया। स्लॉट में फिक्स होने के बाद अब क्या करेंगे आप, व्हाट वी हैव टू डू बेटा, अब हमें क्या करना होगा, ये ग्लोब जो आपका है, ग्लोब ये देख रहे हैं ना, इसमें ग्लोब, इस ग्लोब को आप इसके साथ लगाएं और लगाने के बाद हल्का सा इस पे प्रेशर डालेंगे, इट इज गोइंग टू फिक्स दिस वन। तो ये इसके साथ ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे करें और इस तरीके से ओके, दिस वन इज द फिक्स्ड। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया बेटा। तो कह सकते हैं आप कि ग्लोब को हम लोगों ने इसके साथ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, तो ये आपका पहला बल्ब तैयार हो गया, लेकिन अभी इसको यूज करने से पहले पंचिंग करनी होगी। तो नाउ यू कुड सी हियर दिस वन इज द पंचिंग मशीन। ठीक है, ये पंचिंग मशीन होती है, जरा देखिएगा इसके स्लॉट में, यहां पर देखिएगा इस जगह पर, यहां पर ऐसे देखिए हम घुमा रहे हैं इसको ना, तो यहां पर ये चीजें क्या हो रही हैं, स्लॉटिंग यानी स्केच वो कर रही हैं, आपके जो उसके जॉज हैं वो बाहर निकल के एक पंच दे रहे हैं, तो इसीलिए इसे पंचिंग मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, व्हाट्स कॉल्ड दैट, इट्स अ पंचिंग मशीन। तो अब क्या करेंगे आप, इस B22 कैप को इस स्लॉट में रख देंगे, कैसे, इस तरीके से आप इसको फिक्स कर दीजिए लाइक दिस वन, यहां पर रखिए, और रखने के बाद अब आप इस पर प्रेशर डालिए और इसको खींचे जोर से, और हमने एक बार इसे घुमा दिया यूं, और करने के बाद क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ग्लोब क्या, ये इसके साथ क्या हो गया बेटा, पंच, ये पंच हो चुका है। देखिए यहाँ पर ये जो रिंग देख रहे हैं आप, ये इट इज हैज बीन पंच्ड। तो पंचिंग मशीन से क्या होगा, ये फिक्स्ड हो गया, अब निकलेगा नहीं, अब यहाँ पर निकलेगा नहीं, इज इट। तो आप देख सकते हैं पंचिंग मशीन ने काम किया था, ग्लोब यानी कि पहला बल्ब तैयार। क्या आपको ये बहुत हेक्टिक लगा, तो चलिए चेक करते हैं बेटा क्या ये बल्ब चल रहा है, शुड बी चेक। तो लगाने के बाद अब प्लग लगवाते हैं, और नाउ वी हैव टू चेक देयर कि क्या ये बल्ब चल रहा है, इज इट वॉकिंग। शुड बी चेक दिस वन, शुड बी चेक हियर। तो बल्ब को हमें चेक कर लेते हैं, क्या इकट्ठे सब बना के चेक करते हैं, क्योंकि मुझे उठना पड़ेगा ना, तो उठना पड़ेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी अभी। तो प्रॉब्लम यह है कि हम सोच रहे हैं तीनों बल्ब बना के तीनों एक साथ चेक करते हैं, क्यों बेटा, चलिए तो दूसरा वाला बल्ब बनाते हैं, दूसरा बल्ब बनाते हैं हम लोग, क्योंकि अलग अलग बल्ब हम लोग बना लेते हैं पहले फिर चेक करते हैं, अभी हमको उठ के जाना पड़ेगा, प्लग लगाना पड़ेगा, फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। तो चलिए फटाक से चेक कर लेते हैं, टाइप टू बल्ब बनाते हैं बेटा, टाइप टू बल्ब दिस वन। इसके लिए एक हीट सिंक की जरूरत होगी, दिस वन इज हीट सिंक, दिस वन रिक्वायर्ड दैट, और इसको जरूरत क्या होगी, इस चीज की जरूरत होगी,
और इसको जरूरत पड़ेगी किस बात की बेटा, बताइए आप लोग। इट विल हैव टू द वायर, और हम लोग को किस चीज़ की जरूरत होगी, एक वायर की जरूरत होगी, तो वायर्स भी हम लोग ले लेते हैं। ओके, तो दूसरा वाला बल्ब भी हम लोग चला के अभी देखेंगे, और इसको भी रिक्वायरमेंट जैसे भी होगी उस हिसाब से हम लोग कर लेंगे। अच्छा, आकाश कुशवाहा सेइंग दैट कि सर ट्राई कर लीजिए, नहीं जला तो चलेगा बेटा, क्यों नहीं चलेगा, है ना। तो ट्राई कर लें क्या, कितने लोग कह रहे हैं ट्राई कर लेना चाहिए, क्यों बेटा, सस्पेंस नहीं बना रहना चाहिए ना। कितने लोग कह रहे हैं कि ट्राई कर लें, नहीं चला तो पहले चला के देख लें क्या, क्यों बेटा। एग्जैक्टली DOB है आशीष कुमार। कॉस्ट सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा, कॉस्ट वगैरह का भी डिस्कस करते हैं, आप लोग को एक एक चीज़ लिखा देंगे कि कॉस्ट कितने की बल्ब पड़ेगी। इतना सस्ता होता है कि आपको इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना सस्ता भी होता होगा। और ये टाइप 2 का बल्ब का जो मटेरियल है, इसमें हम एक एक चीज़ के भी कॉस्ट बताते हैं आपको, ठीक है। तो चेक कर लिया जाए क्या कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, कि हम लोग बल्ब बना के रख दें और ना चले तो फिर कहेंगे ओ चला ही नहीं, क्यों बेटा, चेक करें। चलिए चेक कर लेते हैं, आकाश को डाउट हो गया है हमें लग रहा है कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, क्यों भाई। चलिए देखिए, अच्छा तो यहाँ पर ये देखिए आपका ये होल्डर, और ये रहा आपका B22 कैप के साथ हमने इसको अटैच कर दिया। चलिए भाई प्लग लगा के चेक कर लेते हैं, लगाइए प्लग। ओके देखो बेटा, ज़रा प्लग लगा दिया, चल रहा है क्या, क्यों भाई, है ना। तो यहाँ पर चल रहा है आकाश, क्यों बेटा। सुमित इज इट, तो पहला बल्ब आपका ये सक्सेसफुल रहा, चल गया, आपने खुद से ये बनाकर टेस्ट कर लिया और आपका बल्ब रेडी हो गया, कोई प्रॉब्लम, बल्ब चल गया ना। चलिए यहीं पर डिस्कस करते हैं ना कॉस्ट की, कि कितने रुपए का पड़ेगा बल्ब एक आपका, व्हाट विल बी द कॉस्टिंग ऑफ द बल्ब। तो ये चीज आपको बताते हैं हम, ठीक है। चल गया तो निकाल दीजिए इसको, अब लगा भी दीजिए, कोई मसला नहीं। अच्छा चलिए इसका ग्लोब निकाल देते हैं, देखते हैं इसकी ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कितनी है। तो इसका ग्लोब निकाल के अलग कर देते हैं, फिर चलाते हैं। ये देखिए फाइनली ये इज इट, तो ये चल रहा है आपका बल्ब, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप लोग बना सकते हैं इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसकी कॉस्टिंग बता दे क्या हम बेटा, क्यों बेटा, आप लोग क्या चाह रहे हैं, व्हाट वुड लाइक टू, कॉस्टिंग बता दे कितने रुपए का। अच्छा आप लोग अंदाजे से बताइए, चलिए देखते हैं किसका प्रिडिक्शन कितना सटीक है, कितना सटीक है, देखते हैं ये बल्ब कितने रुपए का मिलता होगा, कितने रुपए में। अच्छा ये बल्ब कितने का पड़ेगा अगर आप मटेरियल परचेस करते हो तो, क्यों बेटा, कितने रुपए का पड़ेगा ये अगर मटेरियल हम लोग परचेस करते हैं तो, कोई आइडिया। ये बल्ब अगर आप मार्केट में खरीदने जाते हैं तो इसका पूरा मटेरियल आप रुपए आपको पड़ेगा, टोटल कॉस्टिंग इज 14 रुपीज, 14 रुपए का पड़ेगा ये बल्ब। और आप लोग मार्केट में कितने बेचते हैं इसको, 35 रुपीज, 30 रुपीज, 40 रुपीज, 45 रुपीज, जितने का वो बेच ले जाएं। तो आप सोचिए, नहीं 30 रुपए बहुत ज़्यादा है भाई, मार्केट में खरीदने जाते हो तो अब आपको 40 रुपए 45 रुपए मिलता है, 14 रुपए का 14 रुपीज। और अगर कोई 1000 बल्ब खरीदता है तब तो उसे 12 रुपए का ही पड़ जाएगा, कोई 10,000 बल्ब खरीदता है तब तो उसे 10 रुपए का पड़ेगा। अब कोई यह ना कह देना कि 1 करोड़ खरीद लेंगे तो फ्री का दे देगा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये बल्ब का एक चीज़ हुआ। तो ये सोच लीजिए, आप मटेरियल अगर खरीदें 100 से लेकर 1000 के बीच में अगर आप खरीदते हैं तो आपको 14 रुपए का पड़ेगा, 14 रुपीज, पूरे बल्ब का मटेरियल की बात कर रहा हूँ, 14 रुपीज पड़ेगा। और अगर आप बात करते हैं कि हम 1000 बल्ब खरीदेंगे तब आपको पड़ेगा 12 रुपीज़ का। अगर आप कहते हैं नहीं हम 1 लाख बल्ब खरीदें तब आपको पड़ेगा 9 रुपए का, 9 रुपीज़ का।
तो ये एक रेंज होती है, जितना ज़्यादा बल्क में खरीदते हो उतना सस्ता होता चले जाता है। तो अब ये नहीं कि आपने कहा हम 10 करोड़ बल्ब खरीदेंगे हमको 2 रुपए का पड़ेगा, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपल से ये हो गया, ये इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। तो शुड आई प्रोसीड बेटा दूसरा टाइप का बल्ब बनाया जाए? क्यों भाई, दूसरे टाइप का बल्ब बनाया जाए? हाँ, दूसरे टाइप का बल्ब बना दिया जाए बेटा, शुड यू प्रोसीड? उसी पर आते हैं बेटा, जैसे कहते हैं फिलिप्स वाला मटेरियल, सिस्का वाला मटेरियल कितने का पड़ेगा, तो ये सिंपल सी बात है। ओके, शुड वी प्रोसीड? चलिए दूसरा बल्ब बनाते हैं। नाउ वी हैव टू यूज द सेकंड बल्ब। तो एक बल्ब बन गया, उसको साइड कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा बल्ब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप बात करते हैं दूसरे बल्ब की, तो दूसरा टाइप ऑफ बल्ब होगा, टाइप ऑफ बल्ब होगा हमारे पास ये। तो इसमें हमें मटेरियल तो है, लेकिन हमें वायर की ज़रूरत होगी। वी रिक्वायर द वायर फॉर सोल्डरिंग पर्पस। तो चलिए, तो हम लोग अभी उस वाले में सोल्डिंग किया जाएगा। चलिए यहाँ पर हम बी टू वायर के साथ का करते हैं। तो एक बिना वायर का बताते हैं, फिर एक वायर का साथ का बताते हैं। जैसे इस वाले में वायर नहीं होगा तो कैसे लगाएंगे ये बता देंगे, अभी वायर वायर लगा देते हैं। इस बल्ब को बनाना सबसे आसान काम, बहुत ज़्यादा आसान, इतना आसान कि सोच नहीं सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले बॉडी को इसके साथ अटैच कर दीजिए। दिस टाइप ऑफ बल्ब शुड बी अटैच्ड। तो हमने क्या किया, इसके साथ इसको अटैच कर दिया। ये देखिए B22 कैप लगा दिया बेटा, बोलिए B22 कैप लग गया हाउसिंग के साथ। अब इस वायर को आप यहाँ से इस तरीके से हीट सिंक रखिए, ये हीट सिंक, ये हीट सिंक को ऐसे पास करा दीजिए, तो ये हीट सिंक हो जाएगा, है ना। तो हीट सिंक के ऊपर एक हीट फिटिंग मशीन आती है, हीट सिंक फिटिंग मशीन, प्रेशर डालता है जिसके साथ फिट हो जाता है वो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, दिस वन विल बी पोस्टेड लाइक दिस। तो इसे इस तरीके से लगाइए, ऐसे आप करके इसको लगा दीजिए, ठीक है। दिस वन ऐसे करके इसके साथ लगेगा, और इस पर प्रेशर जब डालते हैं बहुत सारा, तो इस पर क्या हो रहा है, हीट सिंक फिटिंग मशीन के साथ ये जाके हीट बॉडी के साथ फिट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो आपकी मेटल कोटेड पीसीबी है बेटा, दिस वन इज़ द मेटल कोटेड पीसीबी। तो इस मेटल कोटेड पीसीबी को हम लोग इसके साथ ऐसे पास करा देंगे, तो ये इसके साथ ऊपर आ जाएगा। आने के बाद अब देखिए इतना ज़्यादा वायर निकला हुआ है, तो इतना ज़्यादा वायर निकालने की ज़रूरत नहीं है, कटर से हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत होगी वायर स्ट्रिपर की, या सिंपली इस तरीके का वायर स्ट्रिपर ले लीजिए, हल्का सा प्रेशर डालिए, खींच दीजिए। देखिए ये हो गया, वायर स्ट्रिप हो गया, तो वायर स्ट्रिपर का यूज़ कर लेते हैं हम लोग। तो वायर बस टूल्स हैं छोटे छोटे कि जो आपको, देखिए अभी हम आपको बिल्कुल वो चीज़ें नहीं बता रहे हैं जो आप इंडस्ट्री लेवल पर ले जाएं, अभी हम आपको वो चीज़ें बता रहे हैं आप अपने घर पे बैठे बैठे बल्ब बना दें, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आप इसे क्या करें, इसको एक लाइन और न्यूट्रल में जाएगा, सिर्फ 2 वायर ऐसे करिए और इनको सोल्डिंग करनी है आपको, सिंपल बिल्कुल एक वायर, ये जो वायर है इसमें थोड़ा सा मटेरियल हमने ले लिया इसके कॉम्पोजिशन से, वायर का मटेरियल लेने के बाद आप इसको इसके साथ बस सोल्ड कर दीजिए इस तरीके से, ओनली लाइक दिस। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस वायर को इसके साथ इस तरीके से सोल्ड कर दीजिए। यहाँ पर देखिए ये टिप पर रखा हम लोगों ने, ध्यान दीजिएगा बेटा, टिप पर रखा इसको ऐसे, और रखने के बाद बस थोड़ा सा मटेरियल चाहिए होगा, और यहाँ पर हल्का सा हीट अप करिए और इसके क्या कर दीजिए, सोल्ड कर दीजिए। सोल्ड हो गया, इस वाले को इधर से माउंट करिए, और मोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर इसे आप यहाँ पर सोल्ड कर दीजिए ऐसे, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, मोल्ट हो गया, तो ये भी इसके साथ चिपक गया। बस 2 लगाने, इसे बोलते हैं आईसी बेस्ड, क्या बोलते हैं बेटा, तो ये देखें यहाँ पर ये जो 4 लेग की आईसी लगी है, इस आईसी को बोलते हैं रेक्टिफायर आईसी, इसके अंदर 4 डायोड लगे होते हैं। और जो ये आईसी देख रहे हैं, ये है आपकी करंट रेगुलेटर आईसी, कौन से रेगुलेटर, करंट रेगुलेटर। इफ यू टॉक अबाउट द नेम ऑफ दिस आईसी, इफ यू टॉक अबाउट द नेम ऑफ द आईसी विल बी, किसी को पता है कि करंट रेगुलेटर आईसी क्या होती है,
5M0 इस पे जो लिखा हुआ है दैट इज द 5M0 2221 ये लिखा हुआ है। तो फाइनली ये आपका जो बल्ब हुआ ये इसके साथ रेडी हो गया। चलिए चेक कर लें क्या कि बल्ब चलता है कि नहीं चलता है। शुड वी चेक बेटा, शुड वी चेक? क्यों बेटा, शुड वी चेक देयर? उससे पहले हम इसके इसको हाउ इसकी इसकी जो पंचिंग मशीन है, पंचिंग मशीन में लगा कैसे क्या कर लिया जाए, पंच कर लिया जाए। तो सबसे पहले आप इसे रखेंगे इस तरीके से, रखने के बाद इस पर प्रेशर डालेंगे और प्रेशर डालने के बाद इसे खींचेंगे लाइक दिस वन। तो ये क्या हो जाएगा, पंच हो जाएगा, दैट विल बी पंच्ड। देखिए यहाँ पर ये पंच हो गया है, ओके नाउ इट इज पंच। तो पंच होने के बाद अब क्या करेंगे आप बताइए, चेक कर लिया जाए? क्यों बेटा, शुड वी चेक? चेक कर लिया जाए बेटा? चलिए चेक कर लेते हैं, ओके। तो यहां पर आप इसको आप लगाइए इसे, देखिए ये वाला, देखिए इसकी इल्यूमिनेंट इंटेंसिटी बताइए आप लोग जल्दी से कि व्हाट विच वन इज द बेटर, ये वाला बढ़िया है या, ध्यान देखिए, देखें बताते हैं कौन कौन बता पाता है, ये वाला ज्यादा तेज ग्लो कर रहा है या ये ज्यादा तेज ग्लो कर रहा है, विच वन इज द बेटर, ये वाला ज्यादा तेज ग्लो कर रहा है या ये वाला ज्यादा तेज ग्लो कर रहा है, बताइए कौन सा तेज ग्लो कर रहा है, टेल मी बेटा विच वन इज द बेस्ट, टाइप वन बल्ब या टाइप टू बल्ब, बताइए। ये टाइप वन बल्ब है और ये टाइप टू, ये वाला ज्यादा तेज ग्लो कर रहा था या ये वाला तेज ग्लो कर रहा था? चलिए दोनों में ग्लोब लगा देते हैं, इसमें भी लगा देते हैं और इसका ग्लोब भी इसका अलग आएगा क्रिस्टलाइन का, इसको भी लगा देंगे। सो यू शुड हैव टू यूज द ग्लोब हियर। तो हम लोगों ने ग्लोब लगा दिया, ओके तो ये ग्लोब हमने लगा दिया। बताइए कौन सा बल्ब बेटर है इन दोनों में, फिर तीसरा बल्ब दिखाते हैं जो इन तीनों का वो होगा। एग्जैक्टली, टाइप टू बल्ब इज ग्लोइंग मोर फास्टर इन कंपेरिजन टू टाइप वन बल्ब, है ना? तो टाइप टू बल्ब हमारा क्या कर रहा है, ज्यादा तेजी से ग्लो कर रहा है। ठीक है, एक बार और बता देते हैं आप लोगों को, दिखा देते हैं टाइप वन बल्ब एंड टाइप टू बल्ब। और जो भी स्टूडेंट अभी भी बेटा जो एसोसिएट ना हो, इलेक्ट्रोकस से सब्सक्राइब ना किया हो जिन्होंने, वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास जब कभी भी हम वर्कशॉप के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, सेलिंग का कॉन्सेप्ट लेकर या लेक्चर्स लेकर या वीडियोज़ है डिज़ाइनिंग का, प्रोग्रामिंग का, हार्डवेयर सिमुलेट का, जिन चीज़ों का भी हम लोग शेड्यूल करें तो आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जानी चाहिए। क्योंकि इलेक्ट्रोकस का इंटेंशन बस इतना है कि बच्चे थोड़ा सा टेक्निकली इम्फेसाइज हों और अपने टेक्निकल नॉलेज को रिफ्लेक्ट करें और स्टार्टअप करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ें। दिस इज द मोटिव ऑफ दिस चैनल बेटा। तो आप लोग इलेक्ट्रोकस के साथ एसोसिएट हो जाएं, फ्यूचर में धीरे धीरे करके हम लोग बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। सो यू शुड हैव टू गो देयर एंड एसोसिएट विद द इलेक्ट्रोकस एंड जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल, ओके? सो देख लीजिए एक बार जल्दी से, चेक करके टाइप थ्री बल्ब बनाते हैं। तो ये रहा आपका टाइप वन बल्ब, दैट इज ग्लोइंग अ लिटिल बिट ग्लिम्स। तो इसे वॉशरूम में लगा दिया या ऐसी जगह पर जहाँ पर हमको लाइट की जरूरत नहीं लेकिन लाइट थोड़ा सा रहना चाहिए, है ना? जैसे आपकी कह सकते हैं कि सीढ़ियों पे लगा दिया या जो आपका छोटा सा कह सकते हैं पेट हाउस है वहाँ लगा दिया लाइट। तो उस जहाँ पर लाइट इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी बहुत कम होती है वहाँ पर इसको यूज़ कर लेते हैं। और इस वाले पे, इस वाले को कहेंगे कि ये तो बहुत तगड़ा चलता है, इसलिए हमको इसको क्या करना होगा, वहाँ लगाना होगा जहाँ पर लाइट इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी हमें ज़्यादा चाहिए हो। तो ये सिंपल सा दो तरीके के बल्ब हमारे बन गए, इन दोनों को साइड कर देते हैं। अब जो हमारा तीसरा बल्ब है, थर्ड वन, ड्राइवर्ड वाला, वो भी लो पास का। तो ड्राइवर एंड लो पास कर, स्टक कर गया, क्यों बेटा? इफ यू टॉक अबाउट, इसकी कॉस्टिंग बता दी जाए,
आप लोग देखिए, शुड बी डिस्क्राइब द कॉस्टिंग ऑफ दिस. क्यों बेटा बताइए आप लोग. कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, द कॉस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ दैट कॉस्टिंग इज, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्टिंग फॉर दिस वन इज, ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉस्टिंग. अब डिपेंड करता है कि कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा. चलिए बताइए, व्हाट विल बी द कॉस्टिंग. कौन बताएगा बेटा. 10 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए, 40 से 45 रुपए. ये जो मट ये बल्ब बन के जो तैयार होगा, पूरा एब्सोल्यूट जो बन के तैयार होगा, ये वाला, ये 32-35 रुपीज के बीच में तैयार हो जाएगा. बिल्कुल सही नंदिता भरद्वाज ने सटीक लगाया. वो 35 आईसी ड्राइवर आईसी, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया. आसपास का जो उनका एस्टिमेशन है कॉस्टिंग का, वो बिल्कुल सही है. तो ये वाला जो आपका बल्ब है, ये बल्ब सिंपली क्या है बेटा बताइए, कितने का है. ये वाला 32-33 रुपीज़ में तैयार हो जाएगा और ये वाला 14 रुपीज़ में तैयार हो जाएगा. सोचिए, 30 रुपए का बल्ब तैयार करके मार्केट में लोग 70 रुपीज़ का सेल करते हैं. नहीं सेल होता, 60 का तो कर ही देते हैं. ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सेटअप करना होगा इस चीज़ के लिए. चलिए दूसरा बल्ब बनाते हैं हम लोग. तो ये जो आपका टाइप वन बल्ब था, इस टाइप वन बल्ब में 14 रुपीज़ कॉस्टिंग आ रही है. अगर आप 100 बल्ब के अंदर बनाते हैं, 100 बल्ब के ऊपर जाएंगे तो आपको यही कॉस्टिंग पड़ेगी 12 रुपए की. और यही कॉस्टिंग अगर आप 1000 लाख में जाते हैं तो आपको पड़ेगा 10 रुपए के आसपास. अब इस बल्ब की अगर बात करते हैं तो ये 32-33 रुपीज़ आपको ये पड़ेगा 100 बल्ब में. और ऊपर जाते हैं तो 30 रुपए तक और कमाते हैं तो 28 रुपए तक आपको मिल जाएगा ये बल्ब. तो ये दोनों बल्ब का कॉस्टिंग इस तरीके से जाता है. ठीक है, अब टाइप थ्री की बल्ब की बात करते हैं बेटा. वी शुड हैव टू एम्फसाइज टू द टाइप थ्री बल्ब. तो अगर हम टाइप थ्री बल्ब की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा, ये वाला जो आपका बॉडी चाहिए जिसमें हीट सिंक है, यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर एल्यूमिनियम की हीट सिंक लगी हुई है अंदर, और ये आपका हीट सिंक दैट विल बी. तो इसे बोलते हैं एल्यूमिनियम कोटेड हीट सिंक बॉडी. क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम कोटेड हीट सिंक हाउसिंग, ये भी कह सकते हैं एल्यूमिनियम कोटेड हीट सिंक हाउसिंग. तो यहाँ पर देखें एल्यूमिनियम की बॉडी, और ये जो आप देखेंगे, दिस वन इज द सिंपली हीट सिंक, और आप इसे देखें, दिस वन इज द B22 कैप, इट इज़ द ड्राइवर एंड इट इज द मेटल कोटेड PCB. क्या होगी बेटा ये, मेटल कोटेड PCB. ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, दैट विल बी द मेटल कोटेड PCB. ओके, शुड यू प्रोसीड बेटा, बल्ब बनाया जाए. पहचान के कंपोनेंट, मैं कंपोनेंट रिपीट कर दे रहे हैं हम बेटा आपको. तो ये क्या होगा आपका, मेटल कोटेड क्रिस्टल हाउसिंग कह दीजिए, मेटल एल्यूमिनियम मेटल कोटेड क्रिस्टल हाउसिंग. ये क्या होगा बेटा, दिस विल बी हीट सिंक. ये क्या होगा, दिस विल बी द B22 कैब. ये क्या होगा, दिस इज द ड्राइवर. अब आप बताइए ड्राइवर में कौन कौन सा कंपोनेंट आप पहचान पा रहे हैं. तो जरा इन सबको कर देते हैं साइड. ड्राइवर में बताइए आप कौन कौन सा कंपोनेंट पहचान पा रहे हैं बेटा, बताइए जल्दी से बोलिए. टू विच ड्राइवर यू विल, बताइए बेटा.
ड्राइवर में बताइए कौन कौन से कंपोनेंट पहचान, पीछे भी कुछ कंपोनेंट लगे हैं, जैसे यहाँ पर एक आपको डायोड लगा मिले, यहाँ पर आपको ये कह सकते हैं कि डायोड की जो रेक्टिफायर आईसी लगी हुई मिलेगी, करंट रेगुलेटर मिलेगा, और यहाँ पर इंडक्टर मिलेगा जो चोक करेगा। तो यहाँ पर बताइए क्या क्या है। अच्छा चलिए बताइए, अगर हम कहें ये कंपोनेंट क्या लगा हुआ है, ये वाला, ये जो मेन कंपोनेंट है बड़ा वाला, ये क्या होगा बोलिए बताइए, व्हाट विल बी दिस। एग्जैक्टली, बहुत से लोगों ने सही आंसर दे रहे हैं, वो यहाँ पर ट्रांसफार्मर है ये, और ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक है कैपेसिटर, ये भी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है, ये पॉलिस्टर कैपेसिटर है, ये माइका टाइप कैपेसिटर है आपका, माइका टाइप के अलावा ये जो है। अच्छा ये ब्लैक कलर का क्या है ये कौन बता पाएंगे, ये वाला, हम इसके बात कर रहे हैं, इसकी इसकी हम बात कर रहे हैं, क्या है ये ब्लैक वाला क्या है बेटा, ये टेल मी व्हाट इज दैट, क्यों बेटा आप बताइए ये क्या है, बोले बेटा क्या है ये। नहीं आनंद बिल्कुल नहीं, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर नहीं है ये डेमी कॉइल है, बिल्कुल कुछ लोगों ने अंदाजा सही लगाया है, इंडक्टर है, शाबाश राय जी, इट्स राइट इंडक्टर, निदा खान इट्स राइट आंसर, एंड इंडक्टर इज सेइंग दैट भानु राय, राय जी इज ऑल्सो सेइंग नॉट अ कैपेसिटर, सुमित राज इज नॉट अ कैपेसिटर बेटा, इट्स अ इंडक्टर। एग्जैक्टली, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर नहीं है ये बेटा, डायोड भी नहीं है, बिल्कुल नहीं, इंडक्टर है ये, क्या है, दिस इज द इंडक्टर, वेरी गुड शाबाश, बहुत से लोगों ने सही आंसर दिया। अब चलिए जल्दी से इस बल्ब को बना के कंप्लीट कर लेते हैं, तीनों बल्ब को बनाकर टेस्ट कर लेते हैं। ओके चलिए प्रोसीड बेटा। एग्जैक्ट, चलिए देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वी हैव टू यूज हियर, यहां पर आप देखिए इस जो बॉडी के में ध्यान दीजिएगा, आप जो करने जा रहे हैं हम इसको आप लोग बहुत केयरफुली देखिएगा, ये जो आपकी बॉडी होती है इसके अंदर आप देखिए स्लॉट बना हुआ है, यू कुड सी देयर देयर इज अ स्लॉट, अगर आप देखें तो इसके अंदर आपको स्लॉट नजर आएगा, क्यों बेटा। अब इस स्लॉट में इसके अंदर इसको हम यूं ऐसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ऐसे करके हम इस स्लॉट में इसको ऐसे सेट कर देते हैं, तो यू कुड सी देयर कि हमने इसमें ऐसे लगाया और इस स्लॉट के अंदर इसे फिक्स्ड कर दिया इस तरीके से। अब देखिए यहां पर ये स्लॉट के अंदर फिक्स हो गया, फेंक भी दें, पटक भी दें, कुछ भी करें, जो कुछ भी करना चाहें कुछ नहीं होगा, दिस नॉट गोइंग टू, ये स्लॉट के अंदर क्या हो गया, फिट हो गया है, इट इज फिटेड टू द स्लॉट। अब स्लॉट के अंदर फिट होने के बाद आप क्या करेंगे, यहां पर स्लॉट पे फिक्स होने के बाद आप B22 कैप को लेंगे इस तरीके से, और देखिए इसमें होल होंगे दो, तो इसके अंदर से आप इसे पास करा दीजिए ऐसे, तो ये पास हो जाएगा। ओके, आफ्टर पासिंग टू दिस वन आप इन दोनों वायर्स को यहां पे फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से, फोल्ड ईयर, तो आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद अब क्या करेंगे, यहां पर सोल्डरिंग आयरन को लीजिए, सोल्डरिंग वायर को लीजिए, और इतना करने के बाद इसको क्या कर देंगे बेटा, बताइए जल्दी से, नाउ यू शुड सोल्ड ईयर, इस तरीके से आप इसे यहां पर सोल्डिंग कर देंगे इसके ऊपर, तो देखिए सूख जाने दीजिए इसको, सूख गया। आप देखिए यहां पर ये जैसे आपके घर में बने बने बल्ब आते हैं उसकी तरह नहीं लग रहा है कि बन गया, उसी तरीके से, तो ये ऊपर से सोल्डिंग कर दी जाती है इसी तरीके, देखिए यहां पर ये सोल्डिंग नहीं, तो इस तरीके से सोल्डिंग होने के बाद इस तरीके से दिख रहा है, इज इट क्लियर, एनी क्वेरी एनी कंफ्यूजन डू यू हैव। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को भी सोल्ड कर दिया जाए, तो हमने इसको भी यूं लिया और इसके ऊपर क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया। ओके दिस इज नाउ, ये सोल्ड हो गया, तो दोनों हम लोगों ने क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। अब जो एक्स्ट्रा वायर निकली हुई है ये हम लोग जो नोज पिन कटर से, नोज पिन कटर से हम क्या कर देंगे, इसे
यूं करके कट कर देंगे, और इसे क्या कर देंगे, ऐसे कट कर देंगे। तो नो स्पिन कटर से हम लोगों ने क्या कर दिया, कट कर दिया। तो देखिए उसी तरीके से नहीं लग रहा है बेटा जैसे आपके घरों में खरीद के लाते हो बना के, सिंपल सी बन के आते हैं। ओके, दिस वन इज द सोल्डेड। तो यहां पर हम सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने के बाद अब बताइएगा बेटा क्या किया जाए। आप देखेंगे तो ये जो आपका ड्राइवर है वो इसके साथ फिक्स्ड हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया बेटा सोल्डिंग होने के बाद। अब यहां पर पहला काम आप ये करिए कि इसको पंचिंग कर लीजिए। पंचिंग करने के लिए आप सबसे पहले पंच कर लिए, क्यों, क्योंकि बार बार निकलेगा, हिले डुलेगा। तो पंचिंग करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए होगी, पंचिंग मशीन। सिमिलरली ऐसे ही इसको यूं रखिए, प्रेशर डालिए और ऐसे खींच दीजिए उधर, ठीक है। तो सिंपली जब खींचेंगे और वो लॉक कर देगा, ओके, दैट इज लॉक्ड। तो आप देखेंगे ये मशीन ये क्या कर चुका है, दिस इज द पंच्ड, इसने क्या कर दिया, इसको पंच कर दिया। ओके, तो यहाँ सिंपली ये पंच हो गया है। अब क्या करेंगे बेटा, नाउ यू शुड हैव टू गो देयर, इसके ऊपर से लगाना होगा हीट सिंक। क्या लगाना होगा बेटा, हीट सिंक वी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर आप हीट सिंक को क्या करेंगे, यहाँ पर हीट सिंक को यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पास करा दीजिए। पास कराने के बाद जैसे इस पर हीट फिटिंग मशीन से आप प्रेशर इस पर डलवाते हैं, ऐसे प्रेशर जाता है, खटाक से क्या हो जाता है, ये पंच्ड हो जाएगा। तो पंच्ड होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ले जाइए इसको, दिस वन, और ले जाने के बाद इसको ऐसे पास करा दीजिए, ठीक है। पास कराने के बाद आप इसको बिल्कुल इस तरीके से, नाउ यू शुड गो देयर, थोड़ा फिट कर देते हैं, हल्का सा बिल्कुल इस तरीके से पीटिए और ये एकदम फिट हो जाएगा इसके साथ। ये लीजिए फिट हो गया, नाउ इट इज़ फिट टू दिस वन। ओके, तो ये फिट हो गया। अब इतना फिट होने के बाद क्या करेंगे बताइए, व्हाट वी हैव टू डू। इतनी फिटिंग के बाद अब देखिए यहां पर एक रेड कलर का वायर दिख रहा होगा और एक आपको ब्लैक कलर का वायर दिख रहा होगा। तो रेड कलर का जो वायर है वो पॉजिटिव की तरफ हो जाएगा और निगेटिव, क्यों, क्योंकि इसमें भाई देखिए अब ये डीसी में कन्वर्ट हो चुका है जिसमें पोलरिटी होगी प्लस एंड माइनस। क्या होगा, प्लस एंड माइनस। तो क्या करेंगे देखिए, तो यहां पर आप इस ऑब्जेक्ट को इसके साथ रखें और रखने के बाद आपको सोल्डिंग वायर थोड़ी लेनी पड़ेगी, यू शुड चूज सोल्डिंग वायर, और यहाँ पर क्या करें, इसको स्विच करा दें, यानी कि यहाँ पर आप इसको ले जाके इसके साथ सोल्ड कर दें, बात खत्म। देखिए आप लोग यहाँ पर एलईडी जब हमने यूज़ किया था तो एलईडी ग्लो करने लगी थी, तो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि सीबेक इफेक्ट अप्लाई होता है। सीबेक इफेक्ट के अकॉर्डिंग करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर बॉडी टू द कोल्डेस्ट बॉडी। तो यहाँ पर सीबेक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, जिसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा, एलईडी जब करंट फ्लो हो रही होगी तो एलईडी बहुत लो करंट सेंसिटिव कंपोनेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ऑन हो जाता है। तो कभी कोई पूछे तो बता सकें आप लोग। इसके बाद आपको क्या करना होगा, निगेटिव वाले को इस निगेटिव वाले के साथ क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सोल्ड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम डू यू हैव। तो इस निगेटिव वाले के साथ क्या कर देंगे हम लोग, इसे सोल्ड कर दिया। ओके फाइन, दैट इज सोल्ड। तो इतना करने के बाद क्या करेंगे बेटा बताइए, व्हाट वी हैव टू डू। ये हो गया आपका, चलिए तो देखते हैं आप लोग कि किस तरीके से कनेक्ट कराएंगे। तो यहां पर सिंपली हमने क्या कर दिया बेटा बताइए, व्हाट वी हैव टू डू, हमने यहां पर कनेक्शन दे दिया और अब ये बल्ब आपका रेडी है। किस बात के लिए, टेस्टिंग के लिए, टेस्ट किया जाए चलेगा या नहीं चलेगा, क्यों बेटा, शुड बी टेस्ट। ग्लोब लगा दें, ग्लोब लगा दें या टेस्टिंग कर दें, क्यों बेटा बताइए आप लोग। हाउ मेनी स्टूडेंट आर सेइंग दैट कि सर इसमें टेस्टिंग कर लें या ग्लोब, चलिए हम लोग इसको टेस्ट कर लेते हैं। इफ यू टेस्ट हियर यू कुड सी ये इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी बहुत तगड़ी देता है, ठीक है। आप बताइए कौन सा बल्ब बेस्ट लगा आपको इसमें, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी हाई है, तो इसमें लगा देते हैं क्या, ग्लोब। चलिए ग्लोब लगा देते हैं इसमें पहले। तो ये रहा आपका ग्लोब, और ग्लोब इसके साथ इसको क्या करेंगे, फिट कर देंगे।
ये रहा आपका ग्लोब, इसके साथ फिक्स्ड हो गया। तो अब इसको ओके, विच बल्ब इज द बेस्ट वी हैव टू जस्ट कैटेगराइज हियर। तो हमें ये देखना होगा कि किस तरह कौन सा बल्ब बल्ब बेस्ट होगा। ओके सो यू शुड हैव टू एम्फसाइज हियर कि चेक करा जाए तीनों बल्ब। हाँ बहुत से लोग सही आंसर देने, टाइप थ्री इज बेटर देन टाइप टू इज ग्रेटर देन, ये तो पूरी इक्वेशन बना देगा। एक्स थ्री इज ग्रेटर देन एक्स टू इज ग्रेटर देन एक्स वन, बिल्कुल सही, मैथमेटिकली डिफाइन करिए, टाइप थ्री इज ग्रेटर देन टाइप टू इज ग्रेटर देन टाइप वन। क्यों बेटा? एग्जैक्टली, टाइप थ्री बल्ब इज मोर बेटर। और चलिए चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं ना कौन सा बेटर है। तो हमने कहा ये रहा आपका टाइप वन बल्ब, इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी आप लोग ज़रा चेक करके हमें बताइए कौन सी किस में ज़्यादा होगी। तो ये रहा आपका टाइप वन बल्ब जो हम लोगों ने बनाया था, दैट इज़ द टाइप वन बल्ब। अब हम क्या करेंगे, टाइप टू बल्ब की तरफ जाएंगे। तो ये रहा आपका टाइप टू बल्ब, तो बताइए टाइप टू बल्ब की इंटेंसिटी ज़्यादा थी या टाइप वन बल्ब की इंटेंसिटी ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा आपका टाइप टू बल्ब। ओके अब हमें जाना होगा टाइप थ्री बल्ब की तरफ। नाउ वी शुड गो टू द टाइप थ्री और इसको जब अटैच कराएं तो आप बताइए कि कौन सा बल्ब ज़्यादा हाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी के साथ ग्लो कर रहा है। विच बल्ब इज ग्लोइंग टू द हाई ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बताइए आप लोग खुद फ़र्क निकाल सकते हैं। आप देखिए स्पैम, ये लोग बेवकूफ़ कैसे बनाते हैं, लोग जाते हैं और लोग जैसे सिंपली लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जब पहुंचते हैं तो कहते हैं हमें बल्ब दे दीजिए, तो कहते हैं ये वाला ले जाओ, टाइप टू वाले की बात हम कर रहे हैं, कहने ये वाला ले जाओ। तो तुमने देखा था, हाँ इसी तरीके से तो बल्ब होता है, और गए और इसी जो जो मटेरियल 30 रुपीज़ का होना था उसको 70, 80, 90 रुपीज़ का खरीद लेके चले आ रहे हैं, जबकि ये वाला बल्ब डिजर्व करता है कितना, 90 रुपीज़ के लिए। तो यहाँ पर इन दोनों बल्ब का स्ट्रक्चर देखने में लगभग सिमिलर है। अब बात समझिए बिजनेस की और बात करते हैं कि किस तरीके से हमें बिजनेस का सेटअप करना है इसके लिए, ठीक है। तो यहां पर अगर आप बात करें कि जो ये वाला आपका कंपोनेंट है दिस वन, इसमें आप कहेंगे कि सर दिस वन इज लुकिंग लाइक सिमिलर थिंग, लेकिन इनके वेट में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हीट सिंक बॉडी है, इसका लाइफ ज्यादा है, इसकी इसकी लाइफ कम है। तो यहाँ पर ये जो बल्ब हैं इनमें डिफरेंस, आप इसको तो रिफर कर सकते हैं कि भाई ये सिंपल सा दिखी वैसा रहा है कि, तो आपको ये मार्क, ये जो आप अगर आप इसे बनाएं पूरा तो 14 रुपीज़ में बनेगा, अगर आप 100 नंबर ऑफ बल्ब के अंदर बनाते हैं। अगर आप कहते हैं 100 बल्ब या 100 बल्ब के अंदर बनाते हैं आप, तो ये वाला 14 रुपीज़ का एक बल्ब पड़ेगा आपका, जो हमारी कैलकुलेटेड एस्टिमेशन है। अगर आप इस बल्ब में जाते हैं टाइप टू बल्ब में, नॉन हीट सिंक बॉडी वाले में, सिर्फ ओनली आईसी टाइप में, तो ये बल्ब आपको तकरीबन पड़ेगा 30 रुपीज़ के आसपास, अगर 100 बल्ब के अंदर बनाते हैं। हाँ टाइप वन बल्ब को अगर आप 1000 बल्ब पे बनाते हैं तो यही कॉस्टिंग घट के आपके 10 रुपये के आसपास आ जाएगी, और ये वाली अगर करते हैं तो ये घट के आपके तकरीबन 27 रुपये के आसपास आ जाएगी। लेकिन अगर टाइप थ्री बल्ब की बात करते हैं तो टाइप थ्री बल्ब आपको तकरीबन पड़ता है 48 रुपीज़ के आसपास, या 46 to 48 रुपीज़ के आसपास, और ये बिकता 100 रुपीज़ का है। तो सिंपल सी बात है कि ये अलग अलग प्राइसिंग में, तो ये तीनों बल्ब जो आपके हैं, दीज थ्री बल्ब्स आर इन कैटेगरी, इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी ज़्यादा हो अलग कम है, लाइफ कम या ज़्यादा है। अब आपको जैसे बिजनेस सेटअप करना होगा, तो अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो कुछ चीज़ें हम बता देते हैं कि नोट डाउन क्या क्या बिजनेस सेटअप करने में आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले आपको मटेरियल चाहिए होगा। मटेरियल कहाँ से मिलेगा? बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, हम लोग खुद भी मटेरियल स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो स्टूडेंट मटेरियल ले सकता है, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर मटेरियल आप परचेस कर सकते हैं, दिल्ली से परचेस कर सकते हैं, गुड़गांव से परचेस कर सकते हैं, या कोई और भी जगह है जहाँ पर आपको चीप एंड बेस्ट मिलता है वहाँ से परचेस कर सकते हैं। मोस्टली क्या है कि यूपी से जो सटा हुआ है वो उसका अपना सिंपली कर ले। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि भाई हमें मार्केट में सेल कैसे करना है। आप देखिए इसे की कर रही होगी ब्रांडिंग, क्योंकि जब तक आप इस पर कोई ब्रांडिंग नहीं करेंगे, किसी चीज़ को आप इस, ये कोई नाम नहीं होगा, वाटेज नहीं लिखा होगा, कितने वोल्ट का है, कितनी फ्रिक्वेंसी का है, क्या कितनी लाइफ है इसका, जो कुछ नहीं लिखेंगे तो मार्केट में आप इसे सेल नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, कम से कम इसके ऊपर कोई नाम आप लगाइए, और कोई ना कोई ऑफिस का होना चाहिए, ऑफिस रजिस्टर्ड होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है, जब आप कंपनी को रजिस्टर कराने जाते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान समझिएगा, आप यहां से आपको बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना है बेटा। पहली चीज, जब आप कोई भी प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड होना चाहिए।
रजिस्टर्ड का मतलब यह आपकी कंपनी, जो कोई भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ताकि उस कंपनी की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जिम्मेदारी ले सकें। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होने देगी जब तक वो प्रोडक्ट किसी कंपनी से एफिलिएटेड ना हो और वो कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से, जैसे इलेक्ट्रोको सॉल्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है। इसका सर्टिफिकेट, इसका प्रोडक्ट दुनिया के किसी भी कोने में ले जाके आप बेच सकते हैं। तो आप जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से आप रजिस्टर्ड कराने जाते हैं तो वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपका पैन कार्ड चाहिए होगा, वहाँ पर आपको आधार कार्ड भी मांगेगा, आपकी आईडीज मांगेगा, जितनी जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, डिन नंबर, जो जो भी डायरेक्टर आप मेंबर होंगे उनका मांगेगा, कौन क्या बनेगा, कौन डिजिग्नेशन पे होगा। तो अकेले चला रहे हो, एलएलपी चला रहे हो या एलएलसी चला रहे हो, इवन दैट या तो आप प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हो, इन सब के अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। आप इसको ज़्यादा जानने के लिए हम तो ये कहेंगे www.ministryofcorporateaffairs.com पे चले जाएँ। क्या करेंगे बेटा, साइट का नाम समझ लीजिएगा, www.ministryofcorporateaffairsmca.com। तो जब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में जाएंगे तो आप प्राइवेट लिमिटेड कराना चाह रहे हैं या एलएलसी कराना चाह रहे हैं या आपके लाइबिलिटी फंड में जाना चाह रहे हैं, तो जिस तरीके से आप कराना चाहें उस तरीके से कर लीजिए। और इससे भी अच्छा आसान तरीका हम बता दें, जैसे आप दो लोग तीन लोग बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप जाइए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक क्या करिए, एक 10 रुपीज़ का या 50 रुपीज़ का जो भी हो उसका एक स्टैम्प खरीदिए। स्टैम्प पे खरीदने के बाद उस पर टाइप कराइए, टाइप करने के बाद उसको प्रिंट आउट दीजिए, प्रिंट आउट देने के बाद सबमिट करिए यहाँ पर आप आयकर विभाग में, और आपकी कंपनी आपके बिहाफ पे चीज़ों को स्टडी हो जाएगी। क्योंकि जब आप एमसीए से रजिस्टर कराते हो तो आपको जगह भी दिखानी पड़ेगी कि ये हमारी ऑफिस की लोकेशन है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये ऑफिस के साथ साथ हम क्या काम करते हैं, तो वो विजिट भी करके देखते हैं। आपको उस ऑफिस की लोकेशन का आपको बिल बिल वगैरह चाहिए होगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, ताकि आपको वो एड्रेस प्रूफ उस जगह पर अपडेट कर देते हैं। फिर आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, ठीक है। तो आपका जीएसटी नंबर जब आपके पास आएगा तब जीएसटी नंबर के बिहाफ पे आप प्रोडक्ट को क्या कर पाओगे, सेल कर पाओगे। बगैर जीएसटी नंबर के, बगैर चीजों के अगर आपने प्रोडक्ट को बना के सेल किया तो सीधे आपके यहाँ रेड पड़ेगी कि कहाँ आपका टिन नंबर है। क्यों? क्योंकि टिन नंबर नहीं होगा, डिन नंबर नहीं होगा, जीएसटी नंबर नहीं होगा, तो आप मार्केट में अगर सेल कर रहे होंगे तो उसका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाता। आपको जीएसटी फाइल करनी होती है जब भी आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइनेंशियल ईयर यू हैव टू सबमिट द जीएसटी। आपको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ, ये आप शो करना पड़ता है कंपनी का। तो जब कभी भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं आपको शो करना पड़ेगा, यू शुड हैव टू शो देयर। तो बात ये आती है बेटा कि यू शुड हैव शो। अब मान लीजिए आप कोई बनाना चाहता है एलईडी, कैसे रजिस्टर करें, हमारा टिन नंबर ले ले, टिन नंबर लेने के बाद वो यूज़ करे, लेकिन हर महीने उस चीज़ को क्लियर कराता रहे, तो हम इतना सपोर्ट करने के लिए आपको साथ खड़े हैं, कोई मसला नहीं है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप प्रोडक्ट खरीद, आप बल्ब का मटेरियल खरीदिए, टिन नंबर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप उस टिन नंबर को अप्लाई करके मार्केट में सेल करिए। अब इसके साथ क्या क्या चाहिए चाहिए होंगी, इसके साथ एक आपको बॉक्स चाहिए होगा, ऐसे थोड़ी ना पहुंचे दूंगा ये लो बल्ब, ऐसे थोड़ी ना होगा, और मार्केट वाला निकाल कर देगा ले लो बल्ब। आपको इसका एक बॉक्स बनवाना पड़ेगा, इसका भी पूरी आइडिया देते हैं हम कि बॉक्स कैसे बनाएंगे, किस तरीके से बनाने के बाद सेल करेंगे, वो सारी चीज़ें होती है। प्रिंटिंग कर बॉक्स बनाने वाली बहुत सारी ऐसी हैं प्रिंटिंग प्रेस जो आपके बॉक्स को प्रिंट करके दे देंगी। तो उसके अंदर बाकायदा इसके ऊपर आपका लोगो छपे, इसमें आप वोल्टेज करंट सारी रेटिंग छपे, कितने वॉट का ये छपे, सारे टिन नंबर आपका छपे, आईएसओ सर्टिफाइड है नहीं है वो छपे, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आईएसआई और आईएसओ, ये दो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसके अंडर में कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का डिवाइस एफिलिएटेड होना चाहिए। तो अगर आप कहते हैं आईएसओ तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आईएसआई इंडियन, आपका ये आईएसआई को क्या करते हैं, किसी को फुल फॉर्म पता है बेटा, आप बताइए, आईएसआई इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट क्या कहते हैं इसको, बताइए जल्दी से, व्हाट द मीन ऑफ द आईएसआई, क्यों बेटा कौन सा होता है, स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है या कुछ और होता है, व्हाट दैट, स्टैटिस्टिकल, क्या होता है बेटा, स्टैटिस्टिकल, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो ये चीज़ें होती हैं। तो आपको क्विज के बारे में थोड़ा बता दें फिर और डिस्क्राइब करते हैं। पहली चीज़, क्विज स्टार्ट होगी आफ्टर एंडिंग द वीडियो, ठीक है, वीडियो एंड होने के 15 मिनट के जस्ट बाद क्विज स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। और 1 घंटे के लिए आपका क्विज का एक्टिवेशन होगा उस लिंक का। तो डिस्क्रिप्शन में जैसे ही एंड हो जाएगा ये वीडियो, आप लोग पानी वानी पी लेंगे, पानी वानी पी के थोड़ा सा रेस्ट देख लेंगे, 2-4 मिनट, 15 मिनट, इसीलिए हम 15 मिनट का इंटरवल देंगे। जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा आपका, उसके जस्ट 15 मिनट के बाद आपकी क्विज स्टार्ट हो जाएगी। क्विज आप अटेंड करिएगा, बहुत मजे से अटेंड करिएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, टॉप 30 को हम लोग सर्टिफिकेट देंगे, और कोई इतना मुश्किल नहीं है टॉप 30 में आना, और टॉप 3 को कुछ ना कुछ हम लोग प्रोवाइड प्रोवाइड कराएंगे, ये अभी सस्पेंस है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यू शुड हैव टू बी देयर। तो हम ये कह रहे थे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से आपको 3 नंबर, डिन नंबर, ये सब को लेना पड़ेगा, बॉक्स बनवाना पड़ेगा, लोगो बनाना पड़ेगा, ब्रांडिंग बनवानी पड़ेगी, और आपको साइट भी बनवानी पड़ेगी, ताकि आप आपके कंपनी को सर्च करें तो आप साइट कंपनी को मिल पाएँ, वहाँ पर आप मिल जाए चीज़ें। तो सिंपल सा है। तो ये चीज़ें होने के बाद आप मार्केट में सेल करिए। अब आपको गारंटी भी लेनी पड़ेगी, गारंटी लेने के लिए होगा 1 साल 2 साल, मगर कॉम्पिटिटर्स हैं। सबसे मुश्किल काम जो एलईडी बल्ब की फील्ड में होता है, वो ये काम नहीं कि आप बनाते हैं, सबसे मुश्किल काम यह है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाते हैं, समझ है बेटा, आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर पाए, बेच कर पाए, बेच पाए, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए सुनुभाव, अनुभव सॉरी अनुभव शर्मा ही सही, कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, जब क्विज देंगे आप ओपन करेगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितने क्वेश्चन होंगे ना, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। तो सिंपल है, जैसे ही वर्कशॉप खत्म होगी 15 मिनट का रेस्ट लेंगे हम लोग, पानी वानी पीजिए आप लोग, थोड़ा सा पानी वानी पीने के बाद फिर क्विज को ओपन करिए। 1 घंटे के लिए एक्टिवेट होगी वो, 1 घंटे के अंदर क्विज सबमिट कर दीजिएगा, आपको सर्टिफिकेट, टॉप 30 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, और टॉप 3 स्टूडेंट को कोई ना कोई प्राइज उनको हम पहुँचवाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग कोशिश करिएगा कि टॉप 3 में रहें, टॉप 3 में ना रहें तो कम से कम टॉप 30 में तो रहें ही रहें, ओके। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी अगर किसी भी बंदे को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमसे जानना है, चीज़ें जाननी है कि भाई सर मटेरियल कहाँ से खरीदेंगे, हार्डवेयर कहाँ से खरीदेंगे, सर कैसे प्रोवाइड होगा, तो यू यू शुड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, आप हमें कॉल करिए, नंबर इज गिवन देयर, आप नंबर पे कॉल करिए और पूछिए, वो सारी चीज़ें गाइड की जाएंगी, आप तक मटेरियल पहुँचा दिया जाएगा, सब कुछ करा दिया जाएगा। बट रिस्ट्रिक्शन इज देयर बेटा, कि मटेरियल आप इतना दीजिएगा कि ताकि वो हम सेल कर सके, 10 मटेरियल, 5 मटेरियल बंद दे दीजिए, 6 मटेरियल, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है बेटा, है ना। मटेरियल इतना रखिएगा ताकि वो कम से कम आप कह सके कि हाँ ये इट इज़ अ एब्सोल्युटली मटेरियल फॉर द सेल, ओके। तो कम से कम आप 250, 300, 100 बल्ब की चीज़ों को लीजिए, तब आपको ये पता होंगी। तो आप सिंपल से, तो ये आपको वर्कशॉप का सेशन रहा, बाकी फर्दर डिटेल जिसको भी जाननी है वो बाद में, अभी वीडियो खत्म होकर, क्विज खत्म होने के बाद ईमेल एड्रेस सुनिएगा ध्यान से, क्विज खत्म होने के बाद एज वेल एज वीडियो खत्म होगी, वीडियो के बाद क्विज होगी, क्विज खत्म करने के बाद आप लोग ईमेल एड्रेस वगैरह कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। जैसे आप ईमेल एड्रेस लिखेंगे हम इसकी कोटेशन आपको भेज देंगे, ये कितने वाट का बल्ब, कितने रुपीज़ में, कितने का मिलेगा, कितने बल्ब की मार्जिन आएगी, 1000 बल्ब लेते हैं, 100 बल्ब लेते हैं, 50 बल्ब लेते हैं, तो कितने बल्ब पे कितना आपको क्या होगा, उसकी पूरी रिपोर्ट आपके पास हम क्या कर देंगे, भेज देंगे, ओके बेटा, वी विल सेंड यू। हाँ लखनऊ में भी मटेरियल मिल जाएगा बेटा, मंजेश मटेरियल मिल जाएगा लखनऊ में भी, और लखनऊ के बाहर भी मिल जाएगा, बहुत सी सारे जगहों पर होगा। तो आप लोग कोशिश करें, यू शुड बी देयर, आपको इंटरेस्ट भी होगा, मज़ा भी आएगी चीज़ों को। और अभी भी जो लोगों ने सब्सक्राइब ना किया हो बेटा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वर्कशॉप इससे भी मज़ेदार टॉपिक पर होंगी, और जो टॉपिक आप लोग देखना चाहते हो वो क्विज देने के बाद आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी और ये लिख दीजिएगा, सर हम ये हम लोगों को इस टॉपिक पर वर्कशॉप चाहिए, तो हम लोग उस टॉपिक पर वर्कशॉप आपको क्या कर देंगे बेटा, डिलीवर कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अभी 15 मिनट के बाद आप लोग पानी वानी पी लीजिए, 15 मिनट के बाद क्विज स्टार्ट होगी, क्विज अटेंड करिएगा, सबमिट करिएगा, टॉप 30 स्टूडेंट को हम लोग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देंगे, टॉप 3 स्टूडेंट को प्राइज प्रोवाइड करा देंगे। और जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हो, यू शुड फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, और कॉन्टैक्ट करने का है तो आप कॉल कर सकते हैं, हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, आप अपने लोकल मार्केट में बल्ब बना के सेल कर सकते हैं। रही बात ब्रांडिंग की, तो हम इलेक्ट्रोकस की ब्रांडिंग भी प्रोवाइड कराएंगे आपको, एज वेल एज जीएसटी नंबर दे देंगे, आप खुद कमाइए खुद रखिए, इलेक्ट्रोकस को आपको उससे 1 रुपये भी नहीं चाहिए, नॉट अ सिंगल रुपीज। ये हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है कि हमारे स्टूडेंट या हमारे जो यूथ हैं वो आप एक नई स्किल्स को डेवलप करके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े, छोटा सा स्टार्टअप करें, छोटा सा बिजनेस करें, जिसे आप जॉब दे सकें बेटा, इज इट। तो ठीक है, आप लोग हम लोग इसे यहीं पर वाइंड अप करते हैं, आफ्टर द वाइंड अप ऑफ दिस वन
यू शुड हैव टू एम्फिसाइज देयर। तो हम लोग शुरू करेंगे फिर, आफ्टर 15 मिनट द क्विज विल बी स्टार्टेड, टॉप 30 स्टूडेंट विल बी गेट द सर्टिफिकेट एफिलिएटेड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड टॉप 3 स्टूडेंट विल बी गेट द सम प्राइज फ्रॉम द इलेक्ट्रोकस एज वेल एज सर्टिफिकेट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और ये सर्टिफिकेट आप दुनिया के किसी भी कोने में लगाएंगे, ये सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड होगा। इज इट? तो कोई कन्फ्यूजन या क्वेरी हो तो आप हम कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। हम 3 मिनट रखते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन, तो 3 मिनट में आपको जो क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए, वरना फिर बहुत से लोग कह रहे हैं सर भूखे हैं, बहुत प्यासे हैं। यार हम भी भूखे प्यासे हैं आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करिए। वी विल स्टार्ट, ओके? तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, यू विल लर्न देयर, ओके? एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी डू यू हैव? जिन लोगों को बल्ब की प्राइस वगैरह में इंटरेस्ट हो वो आफ्टर द कमेंट सेक्शन आप लोग लिख दीजिएगा वहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और जो भी चीज़ें जो आपको चाहिए हो, तो उसके हिसाब से हम आपको मेल भेज देंगे कि कितने रुपीज़ का कौन सा बल्ब कितने वाट का पड़ेगा और आपको कितना मार्जिन आएगा। वो सारी डिटेल उस रिपोर्ट में होगी, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हमें कॉल करके आप कह दीजिए सर हाँ बल्ब चाहिए, हम आपको बल्ब प्रोवाइड करा देंगे, ओके? ठीक है, क्वेश्चन पूछ लीजिए। लिंक बेटा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन होगा, 15 मिनट के बाद लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नीचे देखिए ना, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, एरो बना होगा, उस पर जैसे ही आप देखेंगे क्लिक करेंगे वहां पर लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है? तो जैसे वहां पर आपको लिंक मिलेगी, आप उस जगह पर लिंक को क्या कर लेंगे, क्लिक करके क्विज दे दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में क्विज की लिंक होगी बेटा, आप आराम से पानी वानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद 15 मिनट के बाद जब इस वीडियो पर वापस आप आएंगे, जैसे ही इस वीडियो पर वापस आएंगे वहां पर लिंक होगा, आप फौरन लिंक पे क्लिक करके क्विज सबमिट कर दीजिएगा, ओके? सात वाट के बल्ब हैं बेटा, सारे 7 वाट के बल्ब। ये वाला जो टाइप 1 बल्ब है, ये वाला आपका 5 वाट का है, ये वाला 7 वाट का है, और ये भी 7 वाट का है। 7 वॉट बल्ब दीज आर। पूजा यादव आस्किंग दैट कि सर विच ड्राइवर यूज इन एलईडी लो और हाई पास फिल्टर के लिए। तो देखिए, अगर लो पास फिल्टर आप यूज करते हैं तो बढ़िया होगा, हाई पास यूज करेंगे तो बढ़िया नहीं होगा, सिंपल सी बात है। दिस इज डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ द ड्राइवर, तो हमेशा आप यूज करिए। और अगर किसी अच्छी कंपनी का है तो हाई पास यूज करिए और लो पास मत यूज करिए। तो सिंपल सी बात है, किस तरीके का है स्पेसिफिकेशन पढ़ के हमेशा प्रोडक्ट को खरीदा करिए, ओके? ओके, कॉलेज ग्रुप पे लिंक सेंड नहीं करेंगे बेटा, कॉलेज ग्रुप पे लिंक शेयर नहीं करेंगे हम, क्योंकि दिलीप कुमार यू आर सेइंग दैट सर कॉलेज ग्रुप पे लिंक दे दीजिए। कॉलेज ग्रुप पे लिंक ना देने की वजह यह है कि सम पीपल आर गेटिंग द इरिगेट व्हेन वी सेंड द मैसेजेस। तो आप जल्दी से पानी वानी पी के अपना हल्का फुल्का रिलैक्स करके 15 मिनट के बाद जब इसी वीडियो पे वापस आ पाएंगे ना, तो जैसे ही क्लिक करेंगे फौरन आपको क्या करेंगे वहां पे लिंक मिलेगी और लिंक पे क्लिक करके क्विज दे दीजिएगा, ओके बेटा? नौ वाट का बल्ब ड्राइवर वाला या ना, निखिल बताइए बेटा कि ड्राइवर वाला ड्राइवर बल्ब या नॉन ड्राइवर बल्ब। अगर ड्राइवर वाला बल्ब बनाते हैं आप 9 वाट का, तो तकरीबन आपको 45 to 47 रुपीज आपकी कॉस्टिंग आएगी। या और अच्छा बनाना चाहेंगे हीट सिंक बॉडी के साथ, तो आपको 60 रुपीज के आसपास आएगी, क्योंकि 9 वाट का बल्ब 150 से 150 के आसपास बिकता है, ओके? ड्राइवर को हमेशा 220 वोल्ट देते हैं बेटा, 220 वोल्ट कोई भी ड्राइवर हो हमेशा इनपुट पर 220 वोल्ट मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है 9 वॉट का है, 7 वॉट का है, 5 वॉट का है, कितने वॉट का है, वो आपको करंट कितना प्रोवाइड करता है उस पर डिपेंड करता है, उसी स्पेसिफिकेशन उसी डिजाइन पर। टोटल क्वेश्चन सालिहा खातून यू आर आस्किंग दैट सर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। अब बेटा जब क्विज दोगे तो आप भी को पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन होंगे, है ना? तो डोंट बी वरीड। क्वेश्चन अच्छा हम बता देते हैं टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 25 क्वेश्चन आर देयर, 25 क्वेश्चन होंगे क्विज में। एग्जैक्टली एसी के पार्ट्स के बारे में भी पता है, जो आप जानना चाहें वो आप पूछ सकते हैं बेटा। हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटर आकाश कुशवाहा, हम चलो ठीक है, हम इस पर एक अच्छी सी वीडियो बना के आप लोग को फिर बता देंगे कि कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा टॉपिक है ना।
तो इसमें कैपेसिटर कौन से टाइप का है, क्या है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पूरा बता देंगे, कोई मसला नहीं है। और बहुत सारी वीडियो जो हैं उस पर पड़ी हुई हैं, आप उसमें जाके देखें तो आप कुछ स्टडी कर सकते हैं उसमें भी। ओके, तो थैंक यू टू बी हियर बेटा। आप लोग क्विज 15 मिनट के बाद जरूर अटेंड करिएगा, 15 मिनट के बाद क्विज दे दीजिएगा, ठीक है। तो क्विज देने के बाद सबमिट कर दीजिएगा, फिर हम लोग रिजल्ट अनाउंस कर देंगे और आप लोग को प्राइज़ और सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और आप लोग को कैसा सेशन रहा, ये आफ्टर क्विज़ के बाद, क्विज़ देने के बाद आप लोग इसमें फिल कर दीजिएगा कितना सेशन रहेगा। ओके, शुड बी कंटिन्यू। हिमांशु, एसी के पार्ट कहाँ मिलेंगे, चलिए इस पर हम डिस्क्राइब कर दें, कोई मसला नहीं है। सब्जेक्टिव नहीं होंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव होंगे, क्विज सारे ऑब्जेक्टिव, क्विज का मतलब ही ऑब्जेक्टिव होता है बेटा, सब्जेक्टिव नहीं होता है, कैसी बात कर रहे हो। चलिए ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, अब यहाँ पर वाइंड अप करते हैं, आप लोग जल्दी से 15 मिनट में पानी वानी पी के और खा पी के फुर्सत हो जाए, ताकि 15 मिनट के बाद आराम से आप 25 क्वेश्चन का क्विज अटेंड करिए। अटेंड करने के बाद सबमिट करिए, वापस इसी वीडियो पर आपके अटेंड कर लीजिएगा, ठीक है। इसी लिंक पर डायरेक्ट आइएगा, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया होगा लिंक, लिंक पर क्लिक करिएगा और वहाँ पर क्विज कर सबमिट कर दीजिएगा। टॉप 30 स्टूडेंट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा, टॉप 3 स्टूडेंट को सर्टिफिकेट और प्राइज दोनों मिल जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और क्विज देने के बाद बेटा वीडियोज में जरूर ये कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा रहा, और नेक्स्ट वर्कशॉप आप किस चीज़ पर चाहते हैं ये भी बता दीजिएगा। आई विल डिलीवर टू दैट वर्कशॉप ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके बेटा, तो आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं, थैंक यू टू बी हियर एंड वी आर वेरी ग्लैड कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और काफ़ी अच्छे से सीखा, क्वेश्चन आंसर सेशन आपका अच्छा रहा, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी। आई एम रियली ग्लैड कि आई एम वेरी ग्लैड यू आर हियर एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी आप सीखना समझना चाह रहे हैं। हमें इसी चीज़ों से खुशी होती है कि भाई अगर हम एफर्ट करते हैं तो हमारे बच्चों को उसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए, और जब हमारे बच्चों को बेनिफिट पहुंचता है तो हमें खुशी मिलती है कि हाँ हमारे लोगों को बेनिफिट पहुंच रहा है उस चीज़ से, हमारे एफर्ट से, है ना। तो थैंक यू टू बी हियर, थैंक यू, आई एम वेरी वेरी ग्रेसफुल यू आर हियर, थैंक यू बेटा। तो चलिए जल्दी से आप लोग खा पी के क्विज अटेंड करिएगा, अटेंड करने के बाद जल्दी सबमिट कर दीजिएगा, 1 घंटे के लिए क्विज एक्टिवेट होगा, ये नहीं कि खा पी के सो गए उसके बाद उठे तो क्विज का टाइमिंग खत्म हो गया। सोइएगा बाद में, खा पी लीजिएगा उसके बाद क्विज अटेम्प्ट करिएगा उसके बाद सो जाइएगा, डोंट बी वरीड। ओके, थैंक यू टू बी हियर बेटा, वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर विद यू एंड दिस वॉज द वेरी इंटरेक्टिव सेशन, एंड आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, लर्न की होगी, जानी होंगी, और आपको ये पूरा का पूरा सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू टू बी हियर बेटा।